السلام عليكم. मिस आपका माइक म्यूट है। अस्सलाम वालेकुम। और ये इतने सारे ऐड करना इनको। ओके जी, हम क्लास कंटिन्यू कर दें। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम। ओके ठीक है। स्लाइड नंबर ये गंदी क्यों रखी है? मेरी आवाज आ रही होगी? ये लास्ट क्लास है ना जी? ये लेक्चर मैं अपलोड कर चुकी हूँ जी। बिल्कुल ये लास्ट क्लास है जी। हाँ अभी कोई आया तो नहीं? नहीं, चलो ठीक है, हम क्लास कंटिन्यू करते हैं, बाद में जो आएगा वो आता रहेगा। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से जो है बात की थी वो हीट और टेम्परेचर के डिफरेंस के बारे में। बेसिकली ये जो हमारा टॉपिक है वो थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड है। थर्मोडायनामिक्स, थर्म मींस होता है हीट और डायनामिक्स मींस कॉजेज फैक्टर्स जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हुई। तो इन थर्मोडायनामिक्स वी स्टडी अबाउट हीट एंड व्हाट कौन से उसके कॉजेज होते हैं, कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से वो प्रोड्यूस होती है या उसकी वजह बनती है प्रोड्यूस होने की, और क्या क्या इसकी जो है वजूहत होती हैं और किस तरीके की जो है वो डिफरेंट हीट्स होती हैं। डिफरेंट मेथड हमने डिफरेंस देखा था हीट और टेम्परेचर के दरमियान के हीट क्या है। आपके पास एनर्जी की फॉर्म है जो कि एयर ट्रांसफ़र होती है एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में, जो कि उसके मुकाबले में टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर किसी भी बॉडी की डिग्री है उसकी हॉटनेस और कोल्डनेस को मालूम करने के लिए। ठीक, फिर हमने देखा था कि हीट क्या होती है। हीट जो है वो आपके पास सम होती है, या मैं कहूँ हीट पूरी तरह या तो टोटल या तो पूरी काइनेटिक एनर्जी होगी या फिर पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो कि मॉलिक्यूल्स, जो ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, किसी भी मैटर के, किसी भी कंडक्टर के मॉलिक्यूल्स होंगे, किसी भी तरह के मॉलिक्यूल्स या एटम्स, उनकी जो एनर्जी होती है, कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी। सो जबकि दूसरे मुकाबले में आपके पास टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर असल में एवरेज काइनेटिक एनर्जी
मॉलिक्यूल्स कह लें या सब्सटेंस कह लें, तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपके पास जो टेम्परेचर है वो इक्वल्स है काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स के. जबकि हीट जो है फ्लो, अभी हमने ऊपर पढ़ किया है कि हीट फ्लो करती है, ट्रांसफर होती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में, तो इसका मतलब है वो फ्लो करेगी फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी. जबकि टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर किसी भी बॉडी में तब बढ़ता है, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर हमारे पास तब राइज होता है जब हम उसको हीट करते हैं, और जब हम उसको ठंडा करेंगे तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, इसी तरीके से फिर हमने इसके यूनिट्स देखे थे, हीट का टेम्परेचर होता है जूल, जबकि केल्विन का वो टेम्परेचर का यूनिट होता है स्टैंडर्ड यूनिट केल्विन. लेकिन इससे पहले भी दो यूनिट्स रह चुके हैं, सेंटीग्रेड और सेल्सियस. फिर आता है कि आपके पास जो है कैलोरी मीटर, जो है कैलोरी मीटर के थ्रू जो है वो हीट को मेजर किया जाता है, यानी कैलोरी मीटर डिवाइस है. और टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं, कभी वो हाफ डिग्री होता है, कभी फुल डिग्री होता है. हाफ डिग्री का मतलब फिफ्थ, ये आपके पास उसमें जो है ना मतलब फुल डिग्री का मतलब थर्मोमीटर का मतलब होता है कि उसमें जो है आपके पास एक तो 100 तक तो हो गई, लेकिन एक एक लाइन एक एक डिग्री की पड़ी जाएगी. जबकि अगर आप हाफ डिग्री थर्मोमीटर को देखें तो उसमें ना एक एक लाइन आप जो है उसमें 0.5 की भी पढ़ सकते हैं. फिर आता है आपके पास इसको रिप्रेजेंट किस से किया जाता है, किस सिंबल से किया जाता है. हीट को रिप्रेजेंट किया जाता है क्यू सिंबल से, जबकि आपके पास टेम्परेचर को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल टी से. कैपिटल टी का सिंबल होता है किसके लिए हम यूज करते हैं थर्मोडायनामिक्स में, टेम्परेचर के लिए. फिर हमने देखा था सिस्टम की इंटरनल एनर्जी स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है. इंटरनल एनर्जी सिस्टम की अपनी एनर्जी होती है, अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, किसी भी एनर्जी की फॉर्म में हो सकती है, या मैं कहूँ कि वो तमाम एनर्जी की सम होता है. जैसे आपकी बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों मौजूद होती है, तो मैं कह सकती हूँ कि मेरी जो इंटरनल एनर्जी है वो सम है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का. सही. सो और किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए एनर्जी का होना ज़रूरी है, अगर एनर्जी नहीं होगी तो सिस्टम नहीं बनेगा. मिसाल के तौर पर हमारे जो जैसे हम वर्कआउट करते हैं, हम काम करते हैं, तो हमें काम करने के लिए, हमें ज़्यादा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने के लिए हमें जो है अच्छी चीज़ों की ज़रूरत होती है, हमारी बॉडी को अच्छा हेल्दी रहने के लिए. यानी हमारा सिस्टम, हमारी बॉडी का सिस्टम अगर हेल्दी रहेगा तो उसके लिए हम फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, मौसम की लिहाज से वेजिटेबल्स खाते हैं, मीट खाते हैं, तो हर चीज़ की रिक्वायरमेंट हमें पूरी करनी होती है. वो क्या करती है, वो आपकी बॉडी को ज़ाहिर है हीट प्रोवाइड करेंगी, तो जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो सिस्टम है उसका हेल्दी सिस्टम सही से चलेगा. देन अच्छा, अब आपके पास सिस्टम के अलावा एक और चीज़ होती है सराउंडिंग्स. सराउंडिंग्स आपके अतराफ के इर्द गिर्द का माहौल, आपके अतराफ के इन्वायरमेंट, वो भी आपके सिस्टम पे जो है असरअंदाज होता है. फिर आपकी बात आती है स्पेसिफिक हीट की. इंटरनल एनर्जी की बात कर ली कि हमारे सिस्टम की खुद की एनर्जी, ठीक है. अच्छा, इससे मुझे एक और चीज़ याद आई कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है, जो कि कहती है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. यानी एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है ना क्रिएट की जा सकती है, ये ट्रांसफर होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्योंकि वो मौजूद होती है, ठीक है. स्पेसिफिक हीट क्या है, स्पेसिफिक हीट वो खास हीट है जो किसी भी कोई भी अगर सब्सटेंस है 1 ग्राम, उसके 1 डिग्री के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जो मुझे अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा वो कहलाता है उसका स्पेसिफिक हीट. स्पेसिफिक हीट आपके पास हर जो है सब्सटेंस की अलग अलग होती है. सही. फिर हमने फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर उन्होंने लिख दिया द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1 कैलोरी, और अगर 1 कैलोरी जो है इसका यूनिट होता है कैलोरी और जूस पर ग्राम पर सेल्सियस. यहाँ से मैंने आपको यूनिट भी इसका निकाल के दिखाया था कि सी जो है आपके पास सिंबल है स्पेसिफिक हीट का, तो और क्यू सिंबल है आपके पास सिंपल हीट का. डेल्टा टी टेम्परेचर है डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, एक इनिशियल और एक फाइनल. एम है आपके पास मास. तो इस तरह से ये चीज़ें आपके पास क्या हो गई कि ये आपके पास सी इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी. तो ये आपके पास जो इसका यूनिट जूल हो जाता है, नीचे आपके पास ग्राम आ जाएगा, और डेल्टा टी टेम्परेचर है तो इसका यूनिट केल्विन आ जाएगा. तो ये यूनिट हमारे पास आ रहा है. आप यहाँ पर जैसे यहाँ पर इन्होंने सेल्सियस यूज़ किया है तो आप यहाँ पर इसको सेल्सियस में यूज़ कर सकते हैं. आप इसको ग्राम जो है केल्विन में कन्वर्ट ना करें, जो आपके पास यूनिट की रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से चलें. अब उन्होंने मिसाल के तौर पर दे दी कि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो 1 कैलोरी होती है, या अगर आप जूस पर ग्राम पर सेल्सियस में ले रहे हैं तो वो 4.2 किलो जूस होती है. 4.2 किलो जूस
पर ग्राम पर सेल्सियस, ठीक है, और इसको 4200 जूल भी बोलते हैं. ये अप्रोक्सीमेटली जो है ना 4200 है, 186 किसके करीब करीब है, 200 के करीब है, तो इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, ठीक है. अच्छा, अब आती है मोलर स्पेसिफिक हीट. मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात हो रही है, आप इसको मोलर स्पेसिफिक हीट कहें या मोलर हीट कैपेसिटी कहें, एक ही बात है, ठीक है, फर्क नहीं है. ऊपर सिर्फ याद है कि ये सिंपल स्पेसिफिक हीट थी जिसमें हमने सब्सटेंस के मास के बारे में बात की थी, जबकि मोलर स्पेसिफिक हीट में हमें सब्सटेंस का मोल चाहिए होगा, ठीक है. और मोल हम कैसे फाइंड करते हैं किसी भी सब्सटेंस का, मोल का सिंबल्स होता है आपके पास एन. मोल फाइंड करने का तरीका है कि आपके पास जो सब्सटेंस दिया है उसको आपको उसका मास मालूम हो, यानी वो कितनी अमाउंट में आपको गिवन है, और डिवाइड कर दीजिए. अगर आपके पास वो सब्सटेंस कोई एलिमेंट है तो आप उसको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं, और अगर कोई मॉलिक्यूल है तो आप उसको उसके जो है मॉलिक्यूलर मास या मास नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक है. तो सॉरी मास नंबर नहीं, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करते हैं, ठीक. तो इसका मतलब है आपके पास नंबर ऑफ मोल्स अगर सवाल में गिवन ना हो, लेकिन सवाल में आपको दे दिया जाए कि ये सब्सटेंस है, इसका इतना मास है, बताइए इसके जो है वो मोल स्पेसिफिक हीट क्या होगी सवाल में, और बाकी भी चीज़ें दी जाए. तो अगर आपको मॉलिक्यूल गिवन है, उस मॉलिक्यूल का आपको मास दे दिया, या एलिमेंट गिवन है उसका मास दे दिया, तो आप उस एलिमेंट का एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए. मिसाल के तौर पर कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास जो है आपके पास 12 होता है. अगर वो दे दिया कि सवाल में आपके पास 8 ग्राम कार्बन है, बताइए इसके नंबर्स ऑफ मोल्स कितने होंगे, तो हम सिंपली 8 ग्राम को उसके एटॉमिक मास यानी 12 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास नंबर्स ऑफ मोल्स निकल आएंगे. और जब नंबर्स ऑफ मोल्स यानी एन निकल आएगा, तो हम इस मोलर स्पेसिफिक हीट भी निकाल सकते हैं. अच्छा, मोलर स्पेसिफिक हीट की रिक्वायरमेंट क्या है, सिंपल स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट या मोलर हीट कैपेसिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है. वहां हम मास की बात कर रहे होते हैं सब्सटेंस की, जबकि यहाँ हम उस सब्सटेंस के मोल की बात करते हैं. यानी आपको किसी भी सब्सटेंस के एक मोल के, अगर वो सब्सटेंस एक मोल है, ठीक है, उसको उसकी वन टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी, वो उस सब्सटेंस की कहलाएगी मोलर स्पेसिफिक हीट, ठीक है. और मोलर स्पेसिफिक हीट का आगे हमें इसका वो भी पता चलेगा कि इसका यूनिट वगैरह बाकी होता क्या है. इन ऐसा यूनिट मोलर स्पेसिफिक हीट का जो सिंबल है वो CN है, ठीक है. आपके पास जो इसका यूनिट है इन ऐसा द मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी, इसका है यूनिट आपके पास सिंबल CN है, ठीक है. हीट हो रहा मेरी स्क्रीन आप लोग शेयर हो रही थी ना. अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी जी? मैम आपकी आवाज आ रही है. वालेकुम सलाम मैम. अस्सलाम वालेकुम. मेरे पास अगर जो है वो मुझे पता चल जाता है कि कब जो है वो इंटरनेट जा रहा है, तो फिर आवाज आना शुरू हो जाती है कि अब जो है ये MS टीम जो है वो मसला करना शुरू हो गया है. अच्छा खैर, हम कंटिन्यू करना है क्योंकि आज हमें जल्दी जल्दी भागना है. सो अच्छा, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात हो रही थी. मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है, आपके पास इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस, ठीक है, जिसमें आपको उसके टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस जो है उसके लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है वो मोलर स्पेसिफिक हीट कहलाती है. इसका सिंबल है CN. CN सिंबल है इसका मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का. वही कहानी लिखी है, इट इज अमाउंट ऑफ हीट इंड्यूस रिक्वायर्ड टू रेज 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन वन कैंडल, ठीक है. तो इसका आपके पास जो है वो Q अपॉन डेल्टा T. Q आपके पास पता है, आपको अमाउंट ऑफ हीट है
जो आपको सवाल में गिवन होगी जो आप सप्लाई देंगे, डेल्टा टी डिफरेंस इन टेम्परेचर, सी एन आपके पास मोडस का स्पीड, यहां पे और क्या ये चीज है, बॉक्स जो है आपके पास ट्रांसिट प्रॉपर्टी आपके पास हमें क्या बता रही होती, मतलब उस सिस्टम की जो हीट कैपेसिटी, मैंने आपसे बात की हीट कैपेसिटी मुझे ये बताएगी उस सब्सटेंस में कितनी कैपेबिलिटी है हीट को दे, हीट को लेने की अपने अंदर, ठीक है, तो वो उसकी क्या हुई, उसकी अपनी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मीनिंग इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंस. इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी होने का मतलब है, मैंने आपसे क्या बात की थी कि मोलर स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक से ही समझ आता है कि खास किस्म की हीट, यानी अपनी किसी मटेरियल की अलग एक प्रॉपर्टी जो उसको डिस्क्राइब कर रही है उसके करेक्टरिस्टिक्स को. तो हीट कैपेसिटी आपके पास इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस की, जिसको हम ये कह सकते हैं वो किसी भी सब्सटेंस का करेक्टरिस्टिक होता है, प्रॉपर्टी हो सकती है जो ये बताएगी कि उस सब्सटेंस को के 1 डिग्री टेम्परेचर को कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है. और हीट कैपेसिटी को हम मेजर करते हैं, अभी मैंने अभी हम बात करते रहते कि हीट को मेजर करते हैं हम कैलोरी मीटर के थ्रू. तो किसी भी तरह की हीट हो, चाहे वो स्पेसिफिक हो, इंटरनल एनर्जी हो, मोलर स्पेसिफिक हीट हो, तो इन सबको हम कैलोरी मीटर में मेजर करेंगे. अब उसमें उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया, अब बॉम कैलोरी मीटर इज यूज फॉर कैलकुलेशन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. बॉम कैलोरी मीटर है जो कि बॉम कैलोरी मीटर, उसको यूज किया जाता है आपके पास जो है जब आपके पास सिस्टम का वॉल्यूम कॉन्स्टेंट हो, तो हम उसकी हीट कैपेसिटी को जो है वो बॉम कैलोरी मीटर के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं. कॉफी कप कैलोरी मीटर्स होते हैं, आर अप्रोप्रिएट फॉर फाइंडिंग कांस्टेंट प्रेशर हीट कैपेसिटी. और कॉफी कप कैलोरी मीटर्स जो होते हैं उसके वो हम तब यूज कर सकते हैं प्रेशर कांस्टेंट हो, ठीक है. प्रेशर कांस्टेंट होने का मतलब है आपने सिस्टम का जो लोड है ना, यानी या जो आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं वो कांस्टेंट है, ठीक है. और वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मतलब है कि आपने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तो इट मींस वॉल्यूम में कोई इजाफा नहीं हो रहा. लेकिन अगर सिस्टम की अपनी इंटरनल एनर्जी की वजह से अंदर वर्कआउट कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो वो डिपेंड करता है क्या कंडीशंस होती हैं. तो वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मतलब है कि सिस्टम अब एक्सपैंड नहीं होगा, और जो है प्रेशर कांस्टेंट होने का मतलब भी आपको समझ में आ गया. अच्छा, अगर आपके पास प्रेशर कांस्टेंट होता है तो उसका मतलब है कि सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ेगा, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो सिस्टम का प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है. अच्छा, ये पढ़ लिया तो आगे भागता है. अच्छा, आपके पास जो है अभी हम ये पढ़ते हुए आए थे कि Q इज इक्वल्स टू NC डेल्टा टी. N आपके पास क्या है, N आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स को, C आपके पास जो है वो इस मोलर स्पेसिफिक है, डेल्टा टी आपके पास डिफरेंस इन टेम्परेचर है, Q आपके पास है. तो वो फॉर्मूले को उन्होंने यही डिस्क्राइब कर दिया है कि Q आपके पास इन टेम्परेचर वो अमाउंट ऑफ हीट जिसको आप सिस्टम को सप्लाई कर रहे होते हैं और उसी की वजह से आपके टेम्परेचर में चेंज आता है, ठीक है. सो N आपके पास क्या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, और C किसका सिंबल है, C आपके पास वो सिंबल है, वो कांस्टेंट है जो कि बता रहा है कि वो मोलर स्पेसिफिक हीट है किसी भी सिस्टम की, किसी भी मोलर स्पेसिफिक हीट भी दो तरह की होती है. अभी हमने ये चीज पढ़ी कि कॉफी कप कैलोरी मीटर और एक बॉम कैलोरी मीटर हम कब यूज कर सकते हैं. तो अगर आपने देखा कॉफी कप कैलोरी मीटर के लिए आपका प्रेशर कांस्टेंट होना जरूरी है, और बॉम कैलोरी मीटर के लिए क्या आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट होना जरूरी है. तो इसका मतलब है हम जब ये टेम्परेचर, ये हम प्रेशर और वॉल्यूम को कांस्टेंट रख रहे हैं तो इनकी भी कोई मोलर होगी. तो अगर आपके पास सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट है तो उसकी जो मोलर स्पेसिफिक हीट होगी वो कहलाएगी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वो कहलाएगी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो उनके सिंबल्स होते हैं, जैसे आपके पास मोलर स्पेसिफिक हीट का सिंबल है सी, ठीक है, पहले सी एन था लेकिन अब कॉन्स्टेंट प्रेशर की बात हो रही है तो सी पी हो जाएगा, और अगर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हो तो वो सी बी हो जाएगा. ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. अब सी पी क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड बाय यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस विद द चेंज इन टेम्परेचर एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर. सी पी क्या है, सी पी आपके पास वो अमाउंट ऑफ हीट है सिस्टम की जो कि वो सिस्टम जो है उसको एब्जॉर्ब करेगा जब वो उसको निकाल देगा, ठीक है, जब उस यूनिट का जब उस सब्सटेंस का मास कितना हो, वन यूनिट हो,
और उसके टेम्परेचर में चेंज आए जब उसका प्रेशर कॉन्स्टेंट हो. कोई भी सिस्टम है, अगर उस सिस्टम का प्रेशर कॉन्स्टेंट, वहाँ पर प्रेशर कॉन्स्टेंट है और उस सब्सटेंस के जो है टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए आपको जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है, चाहे वो हीट अब सिस्टम एब्जॉर्ब करे या निकाल दे, तो वो मोलर स्पेसिफिक हीट कहलाती है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. इसी तरीके से आपके पास मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम भी होता है. अब पहले तो हम ये देख रहे हैं कि कॉन्स्टेंट प्रेशर पे हम और क्या कर सकते हैं. दूसरे लफ्जों में आप इसी डेफिनेशन को ये कह सकते हैं कि अंडर अ कॉन्स्टेंट प्रेशर, आपके सिस्टम का प्रेशर अमाउंट ऑफ हीट है जो कि ट्रांसफर होती है बिटवीन अ सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, यानी सिस्टम से और सराउंडिंग्स को. सिस्टम आपके पास अगर हॉट है तो सराउंडिंग्स आपके पास क्या हो सकता है, सराउंडिंग आपके पास जो है वो हो सकता है टेम्परेचर उसका लो. और अगर सराउंडिंग का सिस्टम सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो सिस्टम का टेम्परेचर आपके पास हो सकता है लो. तो इनके दरमियान जो हीट का ट्रांसफर होता है, अमाउंट ऑफ हीट का ट्रांसफर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, वो हीट का ट्रांसफर, वो अमाउंट ऑफ हीट कहलाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. सो आगे मजीद लिखा हुआ है कि सीपी क्या कर रहा है, मोलर सीपी temperature which always cause a change in the enthalpy of the system. वो कह रहा है कि temperature अगर change होगा तो वो लास्टली change पैदा करेगा system की enthalpy में. Enthalpy होती है formation of heat, heat का change होना, heat का बनना. कि जाहिर है जब temperature आपके पास change होगा तो system में जो heat उसको मिल रही होगी, जो energy उसको मिल रही होगी, उसकी भी formation होगी. ठीक है, अब वो formation किस type की हो सकती है, या तो वो system उस heat को release कर दे या फिर उस सिस्टम को एब्जॉर्ब कर दे. मींस फॉर्मेशन से मतलब है अगर वो सिस्टम हीट निकाल रहा है तो सिस्टम की हीट जो है मौजूदा वो कम होगी, या अगर इसने एब्जॉर्ब की है तो जाहिर है ही अमाउंट ऑफ हीट ज़्यादा होगी. तो अब वो सिस्टम पे डिपेंड करता है कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कर रहा है या एंडोथर्मिक रिएक्शन कर रहा है. एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये रिएक्शन की टाइप्स होती हैं थर्मोडाइनमिक्स में. एक्सो मीन्स होता है आउट, रिलीज, इवॉल्व्ड, इमिट आउट. और जबकि अगर आप एंडो को देखें उसमें हम कहते हैं कि उसका मतलब होता है एब्जॉर्प्शन, जस्ट कर लेना. ठीक है, एंथैल्पी को भी डिफाइन किया हुआ है. एंथैल्पी आपके पास सिस्टम की वो हीट एनर्जी होती है जो कोई भी सिस्टम उसको क्या करता है, या तो एब्जॉर्ब करता है या रिलीज आउट करता है. एंथैल्पी चेंज अकर्स ड्यूरिंग द चेंज ऑफ फेस और स्टेट ऑफ अ सिस्टम. एंथैल्पी में चेंज कब आता है, जब आपके पास सिस्टम के फेस यानी उसकी शेप में चेंज आ जाए या सिस्टम की स्टेट में चेंज आ जाए. यानी आप उस टेम्स अपने सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो. फॉर एग्जांपल आपने जो है पानी उबालना है, ठीक है, या आपने जो ना एक छोटा सा कप लिया और उसके अंदर बर्फ रख दी, अब आपने उसको पिघलाना है. आप उसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं लेकिन आप चाह रहे हैं उसको हीट दें. ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल आपने एक बर्फ ले ली, आपने बर्फ को ऐसे खुला छोड़ दिया, उसने सराउंडिंग से हीट जो है एक सिस्टम है, ठीक है, उसने सराउंडिंग से हीट क्या की, एब्जॉर्ब की, और वो उसका टेम्परेचर जाहिर है वो अब डिग्री वो एब्जॉर्ब करेगा तो अपनी स्टेट चेंज करेगा. तो अब उसने जो हीट एब्जॉर्ब की है असल में उसकी एंथैल्पी में चेंज आया है, और एंथैल्पी में चेंज होने का मतलब है वो अपनी स्टेट यानी फेस चेंज कर लेगा, यानी लिक्विड में तब्दील हो जाएगा. फिर थोड़ी बाद वो सिस्टम से और सराउंडिंग से अपने और जो है हीट लेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा यानी उसने एब्जॉर्ब कर ली, फिर उनकी एंथैल्पी में चेंज आएगा और फिर वो जो है अब लिक्विड से गैस में तब्दील होके एवोपोरेट हो जाएगा यानी गायब हो जाएगा. तो ये चेंज ऑफ स्टेट होती है और एंथैल्पी हमें कैसे बता रही है. फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर उन्होंने वही दे दी एग्जाम्पल जो मैंने आप लोगों से डिस्कस की कि सॉलिड स्टेट को जब हम लिक्विड में चेंज करते हैं तो आइस जो है वो वाटर यानी उसमें चेंज हो जाता है, एंथैल्पी चेंज हो जाती है. तो आपके पास कौन सा एंथैल्पी का चेंज होता है, कौन सा, हीट ऑफ फ्यूजन. ठीक है, व्हेन कोई भी अगर सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा हो बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ सम हीट तो वो कहलाता है हीट ऑफ फ्यूजन. अगर वही सब्सटेंस लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा होता है तो वो कहलाता है हीट ऑफ वेपोराइजेशन. ठीक है, और इससे एंथैल्पी यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन में फर्क आता है. फिर अब उन्होंने पीछे तो सीपी को डिफाइन किया है, अब सीवी है. सीवी क्या है, वो स्मॉल चेंज है ड्यूरिंग द स्मॉल चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस. जब आप सब्सटेंस को हीट अप कर रहे होते हो उसके
टेम्परेचर में अगर थोड़ा सा भी फर्क आए. सो सी वी, इट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू एब्सॉर्ब, इज इट इज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्सॉर्ब रिलीव पर यूनिट मास ऑफ, कंस्टेंट रखा हुआ था तो वो आपके पास मोलर स्पेसिफिक हीट बन रही थी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. अब आपने प्रेशर की जगह वॉल्यूम कॉन्स्टेंट कर दिया, तो अब वो कह रहे हैं सिस्टम का वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है लेकिन उस सिस्टम के यूनिट मास जो भी है अमाउंट ऑफ हीट अगर वो वन यूनिट मास है, उसका यूनिट वन ग्राम सब्सटेंस है और उसको जो है उसमें जो भी अमाउंट ऑफ हीट वो जो सिस्टम है वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है या हीट एवॉल्व कर रहा है वो डिपेंड करता है कि वहाँ पर क्या कंडीशन है. तो वो अमाउंट ऑफ हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कहलाती है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. ठीक है, और दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं कि मोलर स्पेसिफिक हीट हीट का वो ट्रांसफर है जो कि क्या होती है सिस्टम से सिस्टम और सराउंडिंग्स के दरमियान बगैर किसी वॉल्यूम के चेंज के ट्रांसफर होती है. यानी एक हॉट बॉडी से एक कोल्ड बॉडी में जब हीट ट्रांसफर होती है विदाउट एनी चेंज इन वॉल्यूम तो वो मोलर स्पेसिफिक हीट कहलाती है, वो इस हीट कैपेसिटी कहलाती है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. यही बात है कि मैंने आपको बताया कि सी पी रिप्रेजेंट कर रही है मोलर स्पेसिफिक हीट, सी व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट. और अंडर कांस्टेंट प्रेशर जब आपके पास सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट हो, यानी कहने का मतलब है सिस्टम का वॉल्यूम चेंज ना हो, तो इसका मतलब है कि आपके सिस्टम का वॉल्यूम क्या है ज़ीरो है. प्रेशर कॉन्स्टेंट होने का मतलब क्या है पी ज़ीरो है. सही. अच्छा अब चलते हैं हम रिलेशनशिप के सीपी और सीवी के दरमियान क्या रिलेशनशिप होता है. इससे पहले हम जब आपके सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, आप सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट कर दिया लेकिन सिस्टम को आपने हीट देना शुरू की, हीट देंगे को एब्जॉर्ब करता है अगर उसका टेम्परेचर राइज होता है. जब उसका टेम्परेचर राइज होता है तो वो सिस्टम एक्टिव होता है. इसका मतलब है उसके वॉल्यूम में क्या हो रहा है, वो सिस्टम क्या कर रहा है, उस सिस्टम के ने क्या किया, हमने उस सिस्टम को हीट दी, ठीक है, तो उसने वो उस हीट को एब्जॉर्ब किया. अब उस हीट के एब्जॉर्ब होने से उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ी, ठीक है, और इंटरनल एनर्जी बढ़ी जो आपने ऊपर वो रखा हुआ है लोड रखा हुआ है या प्रेशर जो कांस्टेंट रखा है वो लोड असल में प्रेशर आपके पास किसके बराबर होता है, प्रेशर आपके पास बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया के, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया के. और ये होता है मेरे ख्याल में प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया. हाँ ठीक है, तो आपके पास जितना भी सिस्टम का एरिया हो पर अमाउंट ऑफ फोर्स, ठीक है, तो वो आपके पास क्या कहलाता है उसको पुश करने के लिए वो कहलाता है आपके पास प्रेशर, ठीक है. अगर बाकी क्या प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन आप अपने सिस्टम को जो भी अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हो उसकी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ा है और जाहिर है अमाउंट ऑफ हीट उसने ली क्या कर रहा है, उस हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ गई और इंटरनल एनर्जी बढ़ी उसकी हीट बढ़ी. तो अब हमने अगर प्रेशर उस पर जो कॉन्स्टेंट रखा है तो जाहिर वो दबाव वहाँ पर मौजूद है, यहाँ नहीं वहाँ नहीं, वहाँ पर फोर्स मौजूद है और उस फोर्स की वजह से तब भी आपके पास वो सिस्टम एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब है उस सिस्टम में क्या हो रहा है कि चेंज पैदा हो रहा है, उसके एरिया में चेंज पैदा हो रहा है जब वो एक्सपैंड होगा, तो इसका मतलब है कि उसमें वर्क डन हुआ है. आपने फोर्स किस फॉर्म में लगाई है, प्रेशर की फॉर्म में. दबाव जो है एक फोर्स की तरह होता है एक प्रेशर की तरह होता है, तो फिर भी जब हम उसको हीट दे रहे हैं उस सिस्टम को उसकी सिस्टम की जो है वो एनर्जी में फर्क आ रहा है, दूसरा वो वर्कआउट कर रहा है क्योंकि उसका वॉल्यूम एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है. सो इसका मतलब है वहां पर दो काम हुए, सिस्टम को हीट सप्लाई देने से सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, दूसरा जो आप उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ी है जो अमाउंट ऑफ हीट उसको दी है आपने प्रेशर बढ़ने से उसका वॉल्यूम तो कॉन्स्टेंट नहीं है ना, तो वो सिस्टम एक्सपैंड होगा और सिस्टम एक्सपैंड होगा तो उसके वॉल्यूम में चेंज आना शुरू हो जाएगा और वॉल्यूम चेंज आने का मतलब है कि वो जो पहले आपके पास जो आपने प्रेशर कांस्टेंट रखा हुआ है आपके पिस्टन फिक्स हुआ है आपने यहाँ पर लोड रखा हुआ है ये प्रेशर रखा हुआ है, अब जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा
ये जो पिस्टन है ना, ये पिस्टन मूव करेगा ऊपर की तरफ, ये तो चीज कांस्टेंट है, इसमें तो कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन ये मूव कर रहा है ऊपर की तरफ क्योंकि सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इसमें एक्सपेंडिंग हो गई, इसका वॉल्यूम बढ़ गया है, तो इसलिए ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो ये आपके पास क्या होता है, वर्कआउट होता है कि ये फोर्स भी लग रही है फिर भी वो क्या कर रहा है कि उसको पुश कर रहा है ऊपर की तरफ। तो ये तो आपने लोड खुद रखा है, लेकिन ये जो एक्सपेंशन हो रही है ना, ये एक्सपेंशन इस पिस्टन को ऊपर जाने के लिए मजबूर कर रही है। यानी जो एक्सपेंशन है ये एक तरीके की क्या है, दबाव है, ये भी एक प्रेशर, एक फोर्स है जो कि इस पिस्टन को ऊपर की तरफ पुश करवा रही है। तो ये जो डिस्टेंस कवर करेगा ये असल में वर्कआउट करेगा, वर्क डन होगा। तो एट कॉन्स्टेंट प्रेशर आपके पास दो काम हो रहे हैं, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, सिस्टम का वर्क डन हो रहा है आपके पास बाय चेंजिंग और एक्सपैंडिंग इन वॉल्यूम, ठीक है। और जबकि अगर आप बात करें कॉन्स्टेंट, तो आपके पास सिस्टम का जो है वो इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, सिस्टम चेंज आता। और अगर वॉल्यूम में, जाहिर है वॉल्यूम अगर आपने कॉन्स्टेंट कर दिया और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, चाहे आप सिस्टम को जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं उससे सिस्टम की सिर्फ एनर्जी, लेकिन वो इंटरनल एनर्जी सिस्टम के वॉल्यूम को एक्सपेंड करने में काम नहीं आ रही क्योंकि सिस्टम का आपने वॉल्यूम कॉन्स्टेंट कर दिया। अगर वॉल्यूम आपने कॉन्स्टेंट कर दिया, इस मीन्स आपने वॉल्यूम जीरो कर दिया, कोई एक्सपेंशन नहीं हुई, कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ चेंज किस में आ रहा है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जो मोलर स्पेसिफिक हीट है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर वो ग्रेटर देन होगी सी वी से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो काम हुए, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ी और सिस्टम के जो है सिस्टम ने वर्कआउट किया, यानी वर्क डन परफॉर्म किया, जबकि एट कॉन्स्टेंट आपके पास वर्क डन नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, अब इस तरह ये रिलेशनशिप की तरफ, रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी के दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हम बात करें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की ना, कि जो मैंने आपको चीजें समझाई थी वो इसमें आ चुकी है। देखें, मैंने आपसे अभी डिस्कस किया था कि वाई सी पी ग्रेटर देन सी वी, मैं पीछे से ही चलती हूँ। यहाँ से आपके पास जो है, आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास है ये। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ना चाह रहे होते हैं, ठीक है। जैसे हमने अभी तक पढ़ लिया इंटरनल एनर्जी क्या है, सिस्टम को जो हीट सप्लाई करते हैं वो क्या है, स्पेसिफिक हीट क्या है, टेम्परेचर का बढ़ना क्या है, अगर वर्क डन हो रहा है तो वो क्या है। सो यहाँ पर ये कहता है, टू अंडरस्टैंड एंड परफॉर्म एनी सॉर्ट ऑफ थर्मोडायनामिक कैलकुलेशन वी फर्स्ट फाइंड द फंडामेंटल लॉज एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अभी कह रहा है कि सिस्टम के, कोई भी थर्मोडायनामिक सिस्टम है उसमें जो भी चेंजेस पैदा हो रहे हैं या जो भी वो परफॉर्मेंस कर रहा है उसको समझने के लिए, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमें पहले तो उसके कुछ फंडामेंटल लॉज, जो वो रूल्स को फॉलो कर रहा है उसको समझना जरूरी है, कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है कि थर्मोडायनामिक्स में ऐसा क्या हो रहा है। तो मिसाल के तौर पर उन्होंने एक बात करी कि वर्क और हीट, वर्क एंड हीट एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ठीक है, इनका आपस में रिलेशन है, ठीक है, उनका आपस में रिलेशन है, आर इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट, यानी एक कहीं ना कहीं एक दूसरे से जाके वो टकरा जाते हैं, मिल जाते हैं। लेकिन बेसिकली अगर आप देखें तो हीट जो है वो अमाउंट ऑफ हीट है, ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी, थर्मल आप थर्म भी जो है आपके पास हीट ही होती है, यानी हीट क्या है, थर्मल एनर्जी का वो ट्रांसफर जो बिटवीन टू बॉडीज होती है, ठीक है। और कौन सी बॉडीज, एक हॉट बॉडी एक कोल्ड बॉडी, तो जाहिर है दोनों बॉडी के टेम्परेचर भी डिफरेंट होते हैं। हीट है वो थर्मल एनर्जी का ट्रांसफर जो बिटवीन टू बॉडीज होती है, जबकि उन दोनों बॉडीज के टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट हो एंड इज नॉट इक्वल टू द थर्मल एनर्जी। जब आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस है तो जाहिर है उनकी थर्मल एनर्जी भी सेम नहीं होगी। वर्क क्या है, वर्क जो है वो फोर्स है यूज टू ट्रांसफर एनर्जी, जो किसी भी सिस्टम को मजबूर करता है। अगर कोई सिस्टम पे कोई फोर्स लग रही है और उसकी वजह से सिस्टम सराउंडिंग्स में, सराउंडिंग को उसकी वजह से हीट ट्रांसफर हो रही है, तो जो हीट ट्रांसफर हुई बीच में, जो उसका वॉल्यूम बढ़ा टू क्रिएट हीट एनर्जी ट्रांसफर, तो वो कहलाता है आपके पास वर्क डन। वर्क इज द फोर्स यूज टू ट्रांसफर एनर्जी बिटवीन अ सिस्टम एंड सराउंडिंग्स
to create heat and transfer of thermal energy. ठीक, तो आपके पास आगे बात क्या होती है कि बाद मैंने आपसे वही कही कि वर्क और एनर्जी एक दूसरे से रिलेट करते हैं क्योंकि वो सिस्टम को एक साथ अलाउ करते हैं कि उसमें जो हीट का एक्सचेंज होना है या ट्रांसफर होना है वो उनके साथ ही हो. जैसे मैंने आपको बताया था कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, कि आप सिस्टम की हीट, आप सिस्टम को हीट दोगे तो आपके पास उस हीट देने का मतलब है आपने सिस्टम को जो है ना एनर्जी देना शुरू कर दी. टेम्परेचर राइज हुआ तो सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की है बाय राइजिंग टेम्परेचर. तो अब सिस्टम की हीट एनर्जी बड़ी वॉल्यूम एक्सपैंड हुआ, उसने वर्क डन किया है ना, तो एक दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं. ठीक है, तो हीट टुगेदर अलाउ सिस्टम टू हीट बोथ वर्क एंड हीट टुगेदर अलाउ सिस्टम टू एक्सचेंज एनर्जी. जो रिलेशनशिप है बिटवीन टू कॉन्सेप्ट्स कैन बी एनालाइज्ड. एनालाइज मीन्स होता है तज्जिया करना, गौर व फिक्र करना थ्रू द टॉपिक ऑफ थर्मोडायनामिक्स. अगर हमें इन दोनों के रिले हमें इन दोनों के ताल्लुक को हमें समझना है तो हमें जो है असल में तज्जिया करना पड़ेगा, गौर व फिक्र पढ़ना पड़ेगा अबाउट थर्मोडायनामिक्स, के थर्मोडायनामिक्स क्या होता है. इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ हीट एंड द अदर टाइप्स ऑफ एनर्जी. यानी ये वो टॉपिक है, वो खास स्टडी है जो आपके पास किसके बारे में बता रहा होता है, हीट और अदर टाइप्स की जो है आप जो अदर टाइप्स की एनर्जी होती है या जो वर्कडन होता है उनका आपस में इंटरेक्शन. अब आ जाते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का इंट्रोडक्शन. अगर रिलेशनशिप समझना है वर्क एंड हीट का तो हमें एक और प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए जो इन दोनों को आपस में जोड़ता है, और वो तीसरा पार्ट क्या है, इंटरनल एनर्जी, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में फर्क आना. ठीक है, अब अगर कोई हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है तो मैंने आपसे क्या कहा कि सिस्टम की एनर्जी. ठीक है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड. जैसे हम जानते हैं कि लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ जो लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन है वो कहता है कि जो सिस्टम की एनर्जी होती है ना तो वो बढ़ती है ना वो ख़त्म होती है, लेकिन वो कन्वर्ट हो जाती है दूसरी स्टेट्स में, दूसरी फॉर्म्स में एनर्जी की, या वो ट्रांसफर जाती है from different bodies. So, given system including the kinetic energy of molecules and the energy chemical bonds between molecules. yani internal energy ko hum kya keh sakte hain, kis tarah system ki apni wo energy jisme aapke paas hum molecules ke kinetic energy ki baat bhi kar sakte hain ya un tamam energy ki jo kisi bhi एटम या एलिमेंट में मौजूद जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके केमिकल बॉन्ड्स को आपस में जोड़े रखने के लिए. जाहिर है अब वहाँ पर फोर्स अगर मौजूद है सिस्टम, दो लोग आपस में जुड़े कैसे रहते हैं, जैसे हमारी जो बॉडी के पार्ट्स हैं आप कहते हैं हमारे अंदर क्या मौजूद है, हमारे अंदर फोर्स भी मौजूद है और हमारे अंदर क्या मौजूद है, हमारी सिस्टम की अपनी इंटरनल एनर्जी भी है. तो वो इंटरनल एनर्जी हमारी बॉडी के पार्ट्स को हमें जोड़े रखती है, हेल्दी लाइफ हमें देती है, और रोजाना एनर्जी नहीं होगी यानी उतनी ताकत नहीं होगी तो हम वर्क डन नहीं कर सकेंगे. विद इंटरेक्शन ऑफ हीट वर्क एंड इंटरनल एनर्जी, अगर आपस में इन तीनों का ताल्लुक देखें, पहले हमने देखा हीट और वर्क का, कि हीट और वर्क का ताल्लुक आपस में कैसे बनता है, फिर अब उसके साथ पॉइंट आए इंटरनल एनर्जी का. सो इनका जो इंटरेक्शन आपस में वो भी होता है, देयर आर एनर्जी ट्रांसफर एंड कन्वर्जन. या तो आपके पास एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है या एनर्जी का कन्वर्जन हो सकता है दूसरी स्टेट्स में, जो कोई भी सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं या उस सिस्टम को चेंज कर सकते हैं विद इन अ टाइम. हाउ एवर नो नेट एनर्जी इज क्रिएटेड और लॉस्ट ड्यूरिंग द दीज ट्रांसफर. तो वो कह रहा है कि आपके पास जब ये एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा होता है ये हीट और वर्क का, तो वहाँ पर ना तो कोई किस्म की एनर्जी क्रिएट होती है दूसरी, ना एनर्जी में लॉस पैदा होता है. और अगर फॉर एग्जांपल मैं जो है हम लॉस और गेन की बात करते हैं तो जो भी होता है वो विद इन सिस्टम होता है. अ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सब स्टार्ट है. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें कहता है कि आपके पास स्टेट्स दैट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड, एनर्जी जो है कन्वर्ट हो जाती है फ्रॉम वन टू अनदर फॉर्म विद इन द इंटरेक्शन ऑफ हीट वर्क एंड एनर्जी.
इंटर्नल एनर्जी, यानी वो कहता है कि एनर्जी जो कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, वो कन्वर्ट होती है बाय द इंटरेक्शन, यानी इंटरेक्शन या सिस्टम के मुदाखलत या आपस में ताल्लुक, इंटरेक्शन रिलेशन. तो किसकी वजह से? कि हीट वर्क और इंटरनल एनर्जी का आपस में जो ताल्लुक होता है उसकी वजह से. बट इट कैन नॉट बी नो बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन ना तो वो बनती हैं ना वो ख़त्म होती हैं अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस. सर्कमस्टेंसेस अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस से मुराद है कि कुछ कंडीशंस की वजह से. मैथमेटिकली आपके पास क्या होगा, ये डेल्टा यू, डेल्टा यू आपके पास सिस्टम जो सिंबल है वो है आपके पास सिस्टम की इंटरनल एनर्जी का. क्यू आपके पास सिस्टम है, क्यू आपके पास सिंबल है उस अमाउंट ऑफ हीट का जो आपने सिस्टम को दी है, ठीक है, प्लस उस सिस्टम ने वर्क डन किया. तो इन दोनों का सम कहलाता है आपके पास डेल्टा यू, यानी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी. डेल्टा यू इज द टोटल चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. अच्छा, डेल्टा जो है आपके पास, ये जो स्मॉल डेल्टा लिखा हुआ है ट्राइंगल जिसको हम कह रहे हैं, वो आपके पास होता है स्मॉल चेंज या टोटल चेंज, जो भी फर्क आ रहा है, ठीक है. तो ये बता रहा है कि सिस्टम के इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आना. क्यू क्या है? इज द हीट, वो हीट का एक्सचेंज जो कि बिटवीन टू बॉडीज होता है, कि एक बॉडी आपके पास सिस्टम, जैसे मिसाल के तौर पर मैं जो हूँ सिस्टम हूँ और मेरे अतराफ में जो मेरी तमाम चीज़ें हैं जिनसे मेरा इंटरेक्शन हो रहा है और मेरी जो बॉडी का टेम्परेचर है उनसे रिलेट कर रहा है, तो वो क्या चीज़ें हुई? वो तमाम चीज़ें मेरी सराउंडिंग्स हुई, ठीक है. एंड डब्ल्यू क्या है आपके पास? उस सिस्टम का वर्क डन है, या तो उस सिस्टम पे होगा या उस सिस्टम पर होगा, ठीक है. वर्क डन इज आल्सो इक्वल टू द नेगेटिव एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द सिस्टम मल्टीप्लाइड बाय द चेंज इन वॉल्यूम. डब्ल्यू बराबर होता है माइनस पी डेल्टा वी के, यानी वर्क डन आपके पास बराबर है नेगेटिव एक्सटर्नल प्रेशर जो बाहर से हो रहा होता है, ठीक है. आपके पास एक वर्क डन जो होता है, जब वर्क डन परफॉर्म होता है तो आपके पास सिस्टम के उसमें फर्क आता है. आपके पास प्रेशर किस डायरेक्शन में लग रहा होता है? फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही होती है, जबकि प्रेशर जो है इस डायरेक्शन में लग रहा होता है, जबकि आपके पास वॉल्यूम जो है सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा होता है? आपका जो ये पिस्टन है वो ऊपर की तरफ मूव करता है. तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के किस डायरेक्शन में है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में है. तो इसीलिए आपके पास ये कहते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू द ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट के. प्रेशर क्या है आपके पास? फोर्स है. अच्छा, अब ये बना कैसे? प्रेशर आपके पास है फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स क्या जाएगा? पी इंटू ए. डब्ल्यू बराबर एफ एस के, ठीक है. फोर्स आपके पास है ये. अब मैंने क्या किया, जब सिस्टम एक्सपैंड होना शुरू हुआ तो इसने ऊपर की तरफ मूव किया. अभी ये यहाँ था तो इसका सिस्टम का एरिया ए था. जब इससे थोड़ा सा ऊपर किया यहाँ से यहाँ तक, तो कितना इजाफा हुआ? समझ लें y का इजाफा हुआ इस सिस्टम के. इसने मूव किया इतना डिस्टेंस, तो हम ये कह सकते हैं कि इसने y डिस्टेंस मूव किया है. तो अगर मैं एरिया को y से मल्टीप्लाई करा दूँ तो ये मेरे पास आएगा वॉल्यूम, ठीक है. और ये मेरे पास जो y है इसकी जो डायरेक्शन है वो प्रेशर के लिहाज से ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर माइनस आएगा, तो यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा. और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे इसके साथ, तो ये बन जाएगा W बराबर है नेगेटिव ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द सिस्टम मल्टीप्लाइड बाय द चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है. और मैंने आपको बता भी दिया, देखें कैसे. या तो आप, मर्जी आपकी, आप जो है फोर्स को नेगेटिव रखें या आप एस को, वाई को नेगेटिव रखें, क्योंकि दोनों ही आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन में. आप किसी भी एक चीज को जो है ना वो नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यहाँ इन्होंने एक्सटर्नल प्रेशर को नेगेटिव कहा है, तो आप यहाँ पर नेगेटिव लगा दें, आप यहाँ पर नेगेटिव मत लगाएं, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता. अब आपके पास आ जाती है कुछ एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल नंबर वन में ये क्या कह रहे हैं? एग्जाम्पल नंबर वन में ये कह रहे हैं कि एक सिस्टम है आपके पास, जबकि उसका प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है. अ गैस है इन अ सिस्टम, कि एक सिस्टम है जिसमें गैस मौजूद है और सिस्टम का जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है. वो कहते हैं द सराउंडिंग्स अराउंड द सिस्टम
losses lost 62 joules of heat and does 474 joule of work onto the system. वो कहते हैं कि सिस्टम के अराउंड जो सराउंडिंग्स थी उसने हीट का लॉस किया. तो इसका मतलब है कि जो हीट का लॉस हुआ है वो सिस्टम ने नहीं किया है, वो सराउंडिंग्स ने किया है. ठीक है, तो जो लो हीट का लॉस होगा ना, जो सराउंडिंग्स में हीट का लॉस होगा, सिस्टम जो है हमारा उस हीट को एब्जॉर्ब करेगा. तो इसका मतलब है सिस्टम की हीट, जो अमाउंट ऑफ हीट है, जो इंटरनल एनर्जी है, वो बढ़ जाएगी. क्योंकि जाहिर है कि मैं कमरे में आके बैठती हूँ, मैं बाहर से आती हूँ, मुझे गर्मी लग रही होती है, मैं कमरे में आके बैठती हूँ, मुझे पंखे की हवा लगती है. हवा वो क्या है? वो एनर्जी है, वो हीट है, जो कि मेरी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगी और मेरा पसीना खुश्क हो जाएगा. तो मेरी अपनी इंटरनल एनर्जी क्या होगी? वो बढ़ जाएगी. क्योंकि उसने क्या किया, आपके जो पंखा है वो उसकी जो हीट है या एनर्जी है वो क्या कर रही होगी? एक सराउंडिंग का काम कर रही होगी. सराउंडिंग से मैंने वो हीट एब्जॉर्ब की है. ठीक है, और उस एब्जॉर्ब करने की वजह से मैं जो सिस्टम हूँ उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई है. तो अब आप देखें कि सराउंडिंग्स की जो है वो हीट में लॉस पैदा हुआ है अराउंड द सिस्टम, और उसकी वजह से वर्क डन परफॉर्म हुआ है 474 जूल का सिस्टम पे. अब वो कहता है सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या है. मैंने आपसे कुछ बातें करी कि सिस्टम ने अपनी जो है एनर्जी क्या की है, लॉस की है. ठीक है, सॉरी सिस्टम ने नहीं, सराउंडिंग्स ने. अगर सराउंडिंग्स अगर अपनी सिस्टम की एनर्जी लॉस कर रहा है तो देखें क्या होता है. टू फाइंड इंटरनल एनर्जी वी मस्ट कंसिडर द रिलेशनशिप बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स. आगे हमें फाइंड करना है सिस्टम की इंटरनल एनर्जी यानी डेल्टा यू को. तो हमें देखना पड़ेगा सिस्टम और सराउंडिंग्स के दरमियान कैसा रिलेशनशिप है. सिंस जो कि हम जानते हैं कि फर्स्ट ऑफ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना वो डिस्ट्रॉय होती है. लेकिन Anything lost by the surrounding system. लेकिन बात भी है कि अगर आपके पास दो सिस्टम हैं, जो कि क्या है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो सिस्टम, इस सिस्टम से मेरे पास एक सिस्टम मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, चाहे वो गैस हो सकती है. अगर सिस्टम एक भी अपनी जो है अमाउंट ऑफ हीट को लॉस किया है तो दूसरा उसको गेन कर लेगा. तो यहाँ पर उन्होंने वही बात की है कि अगर सराउंडिंग्स किसी चीज को लॉस करती है, ठीक है, उसको खो देती है, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है. और पोटेंशियल एनर्जी जब बढ़ती है तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी के बराबर होती है. और किस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल जीरो हो जाती है और जो सारा का सारा गेन है वो काइनेटिक एनर्जी में हो जाता है. तो इसको इस तरीके से समझ लीजिए. अब सवाल में हमें ये दे दिया है कि जो सराउंडिंग्स है उसमें जो है वो हीट का लॉस हुआ है, और फिर हीट का जो लॉस हुआ है तो उस हीट को जो लॉस किया उसने, जो अमाउंट ऑफ हीट को रिलीज किया, उसको निकाला है हमारे सिस्टम ने, वो हीट एब्जॉर्ब कर लिया है. ठीक है, अब वो जो हीट एब्जॉर्ब की उसकी वजह से सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी बढ़ी हमें वो फाइंड करनी है. लेकिन जो हीट का लॉस हुआ उसने जो एब्जॉर्ब किया उसने उस सिस्टम पर वर्क डन हुआ है. अब वो कह रहा है कि बताइए क्या होगा. Therefore, Q and W are positive in the equation. आपके पास फॉर्मूला क्या है, डेल्टा U is equals to Q plus W. W आपके पास क्या है, वर्क डन है, और Q है जो आपने हीट सिस्टम ने एब्जॉर्ब की है. ठीक है, तो सिस्टम के पास हीट एब्जॉर्ब की है. अगर सिस्टम जो है हीट को निकाल देता है तो वो नेगेटिव काउंट होगी क्योंकि सिस्टम ने हीट लॉस होगा. लेकिन अगर सिस्टम अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब करता है यानी वो गेन करता है तो वो अमाउंट ऑफ हीट काउंट होगी एज अ पॉजिटिव. वर्कडन भी आपके पास पॉजिटिव हुआ है और क्यू भी आपके पास पॉजिटिव हुआ है. तो सिस्टम ने इसका मतलब हीट का गेन किया है और वर्कडन परफॉर्म किया है अपने ऊपर. तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, डेल्टा क्यू आपके पास क्या है 62 और ये आपके पास क्या है 474. तो आपके पास दोनों ही पॉजिटिव है, एड हो जाएंगे, आपके पास टोटल एनर्जी सिस्टम की कितनी बड़ी है वो आ गई. ठीक है, और सिस्टम की एनर्जी हमें तभी ज्यादा मिलती है जब सिस्टम जो है हीट गेन करे और सराउंडिंग हीट लॉस करे. दूसरा प्रॉब्लम है, दूसरा प्रॉब्लम में कहता है कि अ कांस्टेंट वॉल्यूम. पहले वाला प्रॉब्लम था एट कांस्टेंट प्रेशर, अब ये वाला जो
प्रॉब्लम है, इसमें आपके पास जो है सिस्टम का वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है. तो इसमें ये कह रहा है आपके पास कि अ सिस्टम हैज अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड हीट अराउंड द सिस्टम इज इंक्रीज बाय 45 जूल. अगर आपके पास और उस वक्त उसका वॉल्यूम कॉन्स्टेंट हो, नो चेंज इन वॉल्यूम, तो इसका मतलब है वो जीरो होगा. वो अराउंड इंक्रीज बाय 45 जूल, सिस्टम के अराउंड हीट बढ़ गई है. ठीक है, इसका मतलब है सिस्टम ने हीट को रिलीज किया और सराउंडिंग से उसी हीट को क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है. तो हम ये कह सकते हैं कि अब ये जो एनर्जी नेगेटिव होगी, ये जो 45 जूल है ये नेगेटिव होगा, क्योंकि ये जो है सिस्टम ने ये एनर्जी निकाल दी है. और क्योंकि सवाल में साफ साफ लिखा है हीट अराउंड द सिस्टम, और अराउंड द सिस्टम क्या चीज मौजूद होती है, सराउंडिंग्स. ठीक है, तो इसका मतलब है हमारे पास सराउंडिंग्स की जो है वो हीट बढ़ गई है और सिस्टम की हीट में लॉस पैदा हुआ है. तो ये जो भी है ये नेगेटिव होगा. ठीक है, वॉट इज द साइन ऑफ हीट. अब वो पूछ रहे हैं कि आपके पास जो सिस्टम की जो हीट है वो क्या होगी, लॉस हुआ है, तो इसका मतलब आपके पास जो हीट होगी वो आपके पास नेगेटिव होगी. अब वो कह रहे हैं वॉट इज डेल्टा यू इक्वल टू. अब आपके पास जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है वो क्या होगी, और वॉट इज द वैल्यू ऑफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन जूल्स, और सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो भी क्या होगी. जैसे कि हम जानते हैं कि सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है V0. V0 का मतलब है आपके पास अगर आप वर्क डन निकालना चाह रहे हैं, वर्क डन बराबर होता है पी डेल्टा वी के, नेगेटिव ऑफ ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम. तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा, माइनस पी तो मौजूद है, डेल्टा वी जीरो हो गया, तो वर्क डन भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर वॉल्यूम प्रेशर आपके पास कॉन्स्टेंट है तो कोई भी वर्क डन परफॉर्म नहीं होगा. सो यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है देन द वर्क डन इज इक्वल्स टू जीरो. आपके पास इक्वेशन में क्या हो जाएगा, आपके पास जो इक्वेशन है डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्लू, ये तो जीरो हो गया, तो सारी की सारी सिस्टम की एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, क्यू के. और ये तभी होता है जब आपके पास वॉल्यूम कॉन्स्टेंट हो. अगर आपके पास प्रेशर कॉन्स्टेंट हो तो ये पूरी इक्वेशन मौजूद रहती है, लेकिन अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए तो आपके पास सिर्फ ये इक्वेशन मौजूद रहती है, क्योंकि वर्क डन तो जीरो हो गया ना बाय कांस्टेंट प्रेशर, और सारी की सारी जो हीट आपने सिस्टम को ट्रांसफर करी है वो किसमें यूज हो गई, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में. तो यहाँ पर इन्होंने इसलिए बताया कि डेल्टा यू बराबर होगा क्यू के, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू, यानी उसने पार्ट भी बता दिया कि डेल्टा यू किसके बराबर होगा आपके पास, इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट, वो अमाउंट ऑफ हीट जो सिस्टम को आपने दी है. सराउंडिंग्स की हीट इंक्रीज हुई है क्योंकि उसने यही बताया हीट अराउंड द सिस्टम इंक्रीज बाय 45 जूल. तो अगर सराउंडिंग्स की अगर हीट इंक्रीज हुई है तो इसका मतलब है सिस्टम की जो हीट है वो डिक्रीज हुई है, तो इसका मतलब है सिस्टम ने हीट को निकाला है. तो उसका मतलब है बात तो वही है ना कि हीट ना तो क्रिएट हो रही है ना ट्रांसफर हो रही है, लेकिन हीट का एक्सचेंज हो रहा है between system and surroundings. Therefore, आपके पास heat is taken away from the system exothermic. ठीक है, तो system ने heat को निकाला है. ठीक है, system के heat में जो है वो कमी वाकई हुई है. Exothermic reaction है तो negative होगी delta Q. The boil value of the internal energy will be negative value of the heat absorbed by the surroundings. यानी आपके पास जो इंटरनल एनर्जी है वो बराबर होगी नेगेटिव ऑफ दैट वैल्यू, वो अमाउंट ऑफ वैल्यू जो कि सराउंडिंग्स ने एब्जॉर्ब कर लिए. ठीक है, और वो वैल्यू क्या है, असल में ये वो वैल्यू है कि ये वो वैल्यू है जो कि सिस्टम ने इतनी अमाउंट ऑफ हीट को निकाल दिया था और सराउंडिंग्स ने ये अमाउंट ऑफ हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था. ठीक है, So, ये आपके पास डेल्टा यू इसके बराबर हो गया. अब जरा चलते हैं बैक पे जो हमें पढ़ना था, ये डेरिवेशन. जरा मैं पानी पी के आती हूँ और देखते हैं कौन कौन सा और स्टूडेंट आए.
जो है ना वो बन रखे हैं. ओके जनाब, जल्दी से हम चलते हैं. ओके सही सही सही.
अच्छा रिलेशनशिप बिटवीन द सीपी एंड सीवी, तो इससे पहले मैंने आपको जो है वो पढ़ा दिया है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और जनरल गैस इक्वेशन से आप लोग जो है वाकिफ हैं. आपका जो जनरल गैस इक्वेशन है उससे भी आप लोग वाकिफ हैं, लेकिन मैं एक दफ़ा यहाँ पर लिख देती हूँ कि जनरल जो गैस जो इक्वेशन होती है वो बराबर होती है पी डेल्टा वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, एन आर डेल्टा टी. ठीक है, या आप इसको सिंपल ऐसे भी लिखते हैं पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी. आपके पास टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, आर आपके पास क्या है, कॉन्स्टेंट होता है. ठीक है, गैस कॉन्स्टेंट, और एन आर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स है, पी आपके पास वॉल्यूम है, और डब्ल्यू और पी आपके पास क्या है, प्रेशर है, वी वॉल्यूम है. और अगर मैं लिखूँ तो मैं इसको ये भी तो लिख सकती हूँ डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एन आर डेल्टा टी, क्योंकि पी वी किसके बराबर होता है, वर्क डन के. खैर ये तो मैंने एक बात कही है, चलते हैं जल्दी की तरफ, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी अब भागना है. हम सुने क्या क्या है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. एक मिनट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, वेयर आपके पास डेल्टा क्यू क्या है, डेल्टा क्यू आपका वो अमाउंट ऑफ जो सिस्टम को आप देते हैं. डेल्टा यू क्या है, इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एंड डेल्टा डब्ल्यू क्या है आपके, डेल्टा यू आपके पास क्या है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, और डेल्टा डब्ल्यू क्या, जैसा कि हम जानते हैं कि डेल्टा क्यू बराबर है डेल्टा यू प्लस डेल्टा वी के. ठीक है, अच्छा ये इक्वेशन इस तरह कैसे हो गई, हमने तो ये पढ़ी थी जब आपके पास डेल्टा यू या डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव नेगेटिव होता है तो उस पर डिपेंड कर रहा होता है कि सिस्टम की इक्वेशन कैसे चेंज हो जाती है. ठीक है, सो अब यहाँ पर देखें कि डेल्टा क्यू बराबर है डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, और आपको पता है कि मैं लिख के भी दिखाई थी कि पी डेल्टा वी किसके बराबर है, आपके पास वर्क डन के बराबर है. ठीक है, तो अगर आपके पास ये कहता है कि आपके पास डेल्टा क्यू बराबर है सिस्टम की एनर्जी प्लस डेल्टा डब्ल्यू के. ठीक है, डेल्टा यू तो एज इट इज रहेगा, वर्क डन वो कह रहा है पी डेल्टा वी के बराबर है, तो ये यहाँ आ गया. फिर वो कहता है आपका डेल्टा क्यू है वो बराबर है एन सी पी डेल्टा टी के, और एन यू बराबर है एन वी डेल्टा टी है. भाई ये क्या किस्सा है, ये थोड़ा सा इन्होंने करेक्शन करनी होगी यहाँ पर, मैं भी लिख देती हूँ उसको. ये जो है मैं इसको करेक्शन करके लिखती हूँ एन सी वी डेल्टा टी. ठीक है, ये आपके पास इसी क्वेश्चन को आप लेके चलें डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. जब आपका प्रेशर कांस्टेंट होता है तो आपके पास जो इक्वेशन आती है अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बराबर होती है एन सी पी डेल्टा टी के. ठीक है, और यहाँ पर जो ये कह रहा है कि डेल्टा यू बराबर है एन सी वी डेल्टा की, कि भाई ऐसा क्यों, क्योंकि इसी क्वेश्चन को देख लीजिए, ये है तो ये बराबर हो जाएगी एन क्यू वी इज इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी. जब प्रेशर कांस्टेंट है तो ये जो अमाउंट ऑफ हीट है ये क्यू पी बन जाएगी, और जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो यही जो क्यू है वो वी भी बन जाएगा. जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, और जब आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट में तो वर्क डन तो जीरो हो गया, तो पूरा का पूरा डेल्टा यू किसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर, तो वो ये यहाँ लिखा हुआ है. अब देखो इन्होंने यहाँ क्या किया है, यही काम किया है यहाँ पर भी इन्होंने, कि देयरफॉर आपके पास जो ये इक्वेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. ठीक है,
अब आपके पास रिलेशनशिप बता रहे हैं ना सी पी प्लस एंड सी वी का, तो डेल्टा क्यू तो आपके पास बराबर आ गया किसके, एन सी पी डेल्टा की, यानी ये वो अमाउंट ऑफ हीट है जो कि एट कॉन्स्टेंट प्रेशर हमें मिल रही होती है, और ये वो अमाउंट ऑफ हीट है जब आपके पास वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होता है, तो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट में आपके पास कोई वर्कडन नहीं होता, वर्कडन जीरो हो जाता है, तो सिस्टम की सारी के सारी जो इंटरनल एनर्जी है वो टोटल अमाउंट ऑफ हीट के बराबर हो जाती है, तो ये वो आ गया, ठीक है। प्लस आपके पास डेल्टा डब्ल्यू बराबर है वर्कडन के, ठीक है। अभी हमारे पास रिलेशनशिप दोनों की बात होती है, तो हमने दोनों को कंबाइन किया है, ये क्वेश्चन नंबर 3 बन गई। अब जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पास जनरल गैस लॉ कहता है कि प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो बराबर है एन आर टी, एन आपके पास नंबर ऑफ मोल्स, आर आपके पास गैस कॉन्स्टेंट, टी आपके पास टेम्परेचर। अब वो कहता है कि अगर आपके पास टेम्परेचर टी वन है तो आपके पास यही इक्वेशन क्या बन जाती है, PV1 is equals to nRT1। हम ये जानते हैं कि वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर टेम्परेचर राइज होता है तो गैस के वॉल्यूम में भी फर्क आता है, वो क्या हो जाती है, वो एक्सपेंड हो जाती है। तो आपके पास ये क्वेश्चन बन गई। और अगर टेम्परेचर T2 है तो अब उसके वॉल्यूम में फर्क आ गया, पहले V1 था एट टेम्परेचर T1, अब टेम्परेचर T2 हो गया तो प्रेशर भी V2 हो गया। हमने क्या किया, हमने इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट करवा दिया, सब्ट्रैक्ट करवाया, हमारे पास इक्वेशन ये बनी PV2 माइनस PV1 इज इक्वल्स टू nRT2 माइनस nRT1। यहाँ से क्या कांस्टेंट आ रहा है, P कांस्टेंट आ रहा है, ये V1 है, तो ये आ गया आपके पास V2 माइनस V1, और यहाँ से nR कांस्टेंट आ गया, यहाँ आया T2 माइनस T1। हम जानते हैं कि हमारा जो डेल्टा टी बराबर होगा T2 माइनस T1 डिफरेंस इन फाइनल इनिशियल वॉल्यूम टेम्परेचर, और डेल्टा वी बराबर होगा डिफरेंस इन फाइनल एंड इनिशियल वॉल्यूम। तो ये आपके पास P डेल्टा वी बन गया, और ये आपके पास एन आर डेल्टा टी आ गया, ये रहा, ठीक है। अब इस वैल्यू को उठा के, इस वैल्यू को उठा के हम अपनी इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 हमारी क्या कहती है, इक्वेशन नंबर 3 कहती है कि NCP डेल्टा टी इज इक्वल्स टू प्लस, यहां पर क्या मौजूद था, यहां पर मौजूद था P डेल्टा V, जबकि P डेल्टा V किसके बराबर आ गया, इसके, तो अब इसकी जगह हम लिख देंगे NR डेल्टा T, ठीक है। अब एक काम और करेंगे, एन सी पी डेल्टा टी, यहां से क्या कांस्टेंट आ रहा है, एन डेल्टा टी, ब्रैकेट में क्या बच रहा है, सी वी प्लस आर, ठीक है। एन डेल्टा टी, एन डेल्टा टी यहां से कैंसिल हो गया, सी पी बराबर आ गया सी वी प्लस आर के, और अगर मैं इस आर को यहां ले जाऊं तो ये बन जाता है CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R। तो ये सॉल्यूशन आपके पास, ये रिलेशनशिप ड्राइव होकर आ गया कि आपके पास मोलर स्पेसिफिक हीट का डिफरेंट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम बराबर है आपके पास गैस कांस्टेंट के, ठीक है। और वो मैंने पूरा सॉल्व भी करके दिखा दिया। तो अब आपके पास क्या है, ये आर आपके पास क्या था, मैंने आपसे कहा था ना गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो हर गैस के लिए सेम होता है। अब हम देखते हैं कि ये जो आपके पास सीवी और सीवी होता है इसका रेशो क्या कहलाता है, हीट कैपेसिटी रेशो। इन थर्मोडायनेमिक्स हीट कैपेसिटी रेशो या आपके पास जो हीट कैपेसिटी है सीवी और सीवी का रेशो, उसको आप क्या कहते हैं, वो क्या बताता है, इज ऑल्सो नोन एज द एडियाबेटिक इंडेक्स, ठीक है। इट इज द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये रेशियो होता है दो स्पेसिफिक हीट के दरमियान का, एक वो स्पेसिफिक हीट जो प्रेशर कांस्टेंट है, एक वो स्पेसिफिक हीट जो वॉल्यूम कांस्टेंट है। द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट, सॉरी यानी आपके पास ये रेशियो क्या हुआ, द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, या दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं द इंसेंट्रोपिक एक्सपेंशन फैक्टर इज अनदर नेम, यानी इसका एक और नाम दे दिया ऑफ हीट कैपेसिटी रेशियो, दैट इज डिनोटेड बाय
यानी इसके जो रेशो है ना इसको आप किस सिंबल से यूज कर सकते हैं, गैमा से। ये गैमा बराबर है सी पी डिवाइडेड बाई सी वी, ये असल में रेशो कहलाता है आपके पास हीट कैपेसिटी रेशो, ठीक है गामा। देयरफॉर द रेशो बिटवीन सी पी एंड सी वी इज द स्पेसिफिक हीट, इट इज एसेंशियल टू स्टडी हीट कैपेसिटी रेशो फॉर अप्लाइंग इन द रिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अगर आप कोई भी रिएक्शन को आप रिवर्स कर दें तो आपको हीट कैपेसिटी रेशो को समझना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर हम बात कर रहे होते हैं आइडियल गैसेस की, उनके दरमियान की, ठीक है। इसको सिर्फ जस्ट डिफाइन करना था कि आपके पास जो है वो जो हीट कैपेसिटी रेशो है वो होता क्या है, सही। ये हम पढ़ चुके हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपके पास सी पी और सी वी, सी पी वाई ग्रेट सी पी ग्रेटर देन सी वी, ये पढ़ लिया। अच्छा प्रेशर एंड कॉन्स्टेंट। अच्छा अब हम शुरू करने जा रहे हैं कि आपके पास आपने थर्मोडायनामिक्स पढ़ लिया, सो वो सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर हमने देख लिया। अब हम देखने जा रहे हैं कि आपके पास ये जो थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस होते हैं, फोर थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस कौन कौन से, आइसोबेरिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक और एडियाबैटिक, ठीक है। आपके पास किसी में चार्ल्स लॉ एप्लीकेबल होता है, किसी में जो है वो बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल होता है, कहीं पर आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और कहीं आपके पास एक ऐसा सिस्टम होता है जिसको आप आइसोलेटेड सिस्टम कह रहे होते हो, यानी ना तो आइसोलेटेड सिस्टम यानी ऐसा सिस्टम जिसमें आपके पास जो है बाहर की चीज़ का अंदर पे कोई इफेक्ट नहीं, अंदर की चीज़ का बाहर के ऊपर पर इफेक्ट नहीं, यानी हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग्स का आपस में ताल्लुक ख़त्म हो जाता है। जो भी अगर चेंजेस पैदा हो रहे होते हैं सिस्टम और सराउंडिंग्स में, वो उसके अपने अंदर पैदा हो रहे होते हैं, बाहर अंदर बाहर से आपस में कोई इंटरेक्शन उसका नहीं होता। तो अब हम चलते हैं प्रोसेस की तरफ। अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज सेट टू हैव अकर्ड इफ अ सिस्टम चेंज इट्स स्टेट। आपके पास थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस कब होते हैं, कब इनमें चेंजेस आते हैं, जब आपके पास सिस्टम की स्टेट में चेंज आता है, जब आपके पास कोई सॉलिड लिक्विड से चेंज होता है, लिक्विड में चेंज होता है, जब कोई लिक्विड आपके पास किस में चेंज होता है, गैस में चेंज हो जाता है, वेयर द स्टेट रिफर्स इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्योंकि आपके पास किसी भी सिस्टम की स्टेट का चेंज होना उसकी किसको बता रहा होता है, फिजिकल अपीयरेंस को बता रहा होता है कि अब वो कैसा मौजूद है, उसका वॉल्यूम क्या है, उसकी शेप क्या है, उसकी स्टेट क्या है, उसका साइज क्या है, प्रेशर क्या है और चीज़ें भी। सो द सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट व्हेन ऑल दीज प्रॉपर्टीज रिटर्न टू इट्स एन इनिशियल और ओरिजिनल स्टेट। यानी अगर सिस्टम अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाए तो इसका मतलब है वो तमाम प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं, वो रिवर्स हो जाती हैं, जो वजह बनती हैं उसको जो है उसकी ओरिजिनल स्टेट में वापस लाने के लिए। इफ अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज अकरिंग एज अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, अगर कोई प्रोसेस हो रहा हो, अगर किसी सिस्टम की स्टेट में कोई चेंज पैदा हो रहा हो, यानी वहां पर आपके पास या तो हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी या हीट रिलीज हो रही होगी, व्हेन जब द टेम्परेचर आपके पास कॉन्स्टेंट है, ठीक है, सॉरी प्रेशर कांस्टेंट है, सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस को आप कहते हो आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है। और प्रेशर कांस्टेंट होने का मतलब है कि डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऐसा प्रोसेस या सिस्टम का ऐसा थर्मोडायनामिक प्रोसेस अगर प्रेशर कांस्टेंट है और सिस्टम में जो भी चेंज आ रहा है तो हम उसको कहते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है, वेयर द प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, जहाँ पर आपका सिस्टम जो है वो उसका प्रेशर कांस्टेंट होता है यानी जीरो होता है। अब अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो उस आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। टू अंडरस्टैंड दिस अज्यूम अ सिलेंडर कंटेन्स गैस विद अ मूवेबल पिस्टन, एक मिनट। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे इसकी, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट चलूंगी।
तो हमारे पास ये कह रहे थे कि अगर आपको किसी भी समझना है कि प्रेशर अगर कांस्टेंट है और आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या क्या होता है या कैसे बनता है आइसोबैरिक प्रोसेस, तो हमने क्या किया, हमने एक सिलेंडर अज्यूम कर लिया, समझ लीजिए एक सिलेंडर, ठीक है। दिस अज्यूम अ सिलेंडर कंटेनिंग अ गैस, इसमें एक गैस मौजूद है और एक उसके ऊपर पिस्टन रखा हुआ है, ठीक है। पिस्टन क्या है, ढक्कन की तरह होता है जो कि मूवेबल है। मूवेबल का मतलब है कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये सिर्फ आसानी से मूव कर जाएगा, और अगर ये फिक्स्ड होगा तो ये मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो विद अ मूवेबल पिस्टन ऑन वन एंड एंड द मास कैप ऑन द पिस्टन, और इसके ऊपर जो है ना हमने एक पी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एम जी अपॉन ए, ये आपके पास क्या है, पी इज इक्वल टू P naught plus mg upon A. Pressure apply कर रहे हैं आप अपने piston पे. Pressure क्या है? P naught और mg. ये आपके पास force, आपके पास जो pressure होता है, वो बराबर होता है force upon area के. ठीक है? यहाँ पर आपके पास ये weight रखा है, और ये जो है इस weight के जो direction है वो downward होगी. तो आपके पास दो forces लगनी होंगी. एक ये सिस्टम भी फोर्स लगा रहा होगा इस पिस्टन को ऊपर मूव करने के लिए, और एक प्रेशर आपने ऊपर मास वेट रख दिया है, वो भी जो है ये लोड प्रेशर का काम करेगा सिस्टम पे। तो एक उसका इनिशियल प्रेशर होगा और एक वो प्रेशर जो आप अप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो वो बराबर होगा फोर्स अपॉन एरिया के। फोर्स क्या है, उस बॉडी का वेट है, तो वो हो गया एम जी। एम क्या है, मास है, ठीक है। जी आपके पास ग्रेविटी है ड्यू टू डायरेक्शन, ए आपके पास एरिया है, तो वो डिफाइन कर रहा है इसको। देखो उन्होंने बता भी दिया कि प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर, ए क्या आपके पास, एरिया ऑफ द पिस्टन। नाउ सिलेंडर स्लोली हीटेड, अब आपने क्या किया है, इसको हीट देना शुरू कर दी, तो ये आहिस्ता आहिस्ता गर्म होना शुरू हो गया। द प्रोसेस इज कैरीड आउट सो द गैस एंड द पिस्टन आर ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम and the process is quasi-static process. वो ये कह रहा है कि system को आप amount of heat दे रहे हो, system आहिस्ता आहिस्ता गर्म होना शुरू हो गया, ठीक है। तो और अंदर जो भी process हो रहा था isobaric process at constant volume, वहाँ पर जो भी कुछ हो रहा था, the piston आपके पास क्या रहा, piston आपके पास move ना कर सका, पिस्टन आपके पास क्या रहा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहा, यानी इसका मतलब है कि इस पिस्टन ने ऊपर की तरफ मूव नहीं किया, ठीक है। और उसने मूव नहीं किया तो ऐसे प्रोसेस को, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नहीं मूव ना होना, स्टैटिक कंडीशन में रहना, रुके हुए रहना, ठीक है। तो प्रोसेस आपके पास वो क्या कहलाएगा, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो आपके पास जो भी अमाउंट ऑफ हीट हमने इसको दी, सप्लाई टू द सिस्टम is usually partially is increasing its volume. आपके पास amount of heat आपने दी और ये system आहिस्ता आहिस्ता गर्म होना शुरू हुआ, तो इस system के volume में थोड़ा सा ही change आएगा, ज़्यादा नहीं change आएगा. So its volume change dV या delta V and partially increases its internal energy. तो इसका मतलब है system को आप जो heat दे रहे थे वो system जो है आपका slowly slowly जो है heat up होना शुरू हुआ, उसका temperature बहुत slowly आपने जो है अपने system की जो है जब heat up करना शुरू किया उस cylinder को, तो क्या हुआ कि वो आहिस्ता आहिस्ता उस सिस्टम की जो है वो इंटरनल एनर्जी में इजाफा हुआ है आहिस्ता आहिस्ता। तो उसका मतलब है ज़्यादा नहीं बढ़ी होगी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, और सिस्टम का वॉल्यूम भी इतना नहीं बढ़ा होगा, तो स्मॉल चेंज आया होगा दोनों में, ठीक है। आगे वो कहता है द पिस्टन स्लोली राइजेज अप द गैस एक्सपेंड। मैंने आपसे क्या कहा था कि अब जो है जब इसका वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा है तो ये पिस्टन भी आहिस्ता आहिस्ता मूव करेगा। It is pushed by a gas. Excess pressure is developed inside due to the supply of heat. यहाँ पर जो है pressure जो है मौजूद होगा, जब gas expand होगी तो वो pressure डालेगी इस piston पे वो, और आहिस्ता आहिस्ता वो move करेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। The piston does not change as the mass m is constant. जबकि आपने piston के ऊपर जो mass रखा है उसको आपने change नहीं किया, उसको आपने constant रखा है, तो pressure तो आपका constant है, is also constant. So piston rises and excess pressure is adjusted. लेकिन आपके जो गैस है वो जो इस पिस्टन पे प्रेशर लगाएगी
वो प्रेशर जो है इसको वो प्रेशर आपके कांस्टेंट प्रेशर से थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो वो इस पिस्टन को मजबूर करेगा थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करने की वजह से, जिसकी वजह से उसके वॉल्यूम में थोड़ा सा इजाफा होगा. सो इस कांस्टेंट, सो द पिस्टन राइजेस, पिस्टन मूव करेगा ऊपर की तरफ, प्रेशर इज कांस्टेंट, और अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन को मेंटेन रखेगा बिटवीन द पिस्टन एंड द गैस. तो ऐसे प्रोसेस को, द प्रोसेस इज कैरिड आउट अंटिल द गैस हैज रीच द रिक्वायर्ड टेम्परेचर और रिक्वायर्ड वॉल्यूम. तो ये जो प्रोसेस है, जो भी चेंज आ रहा है वो एक लिमिटेड जो है वो टेम्परेचर और वॉल्यूम तक पहुंच जाएगा जहां पर हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा होगा, ज्यादा नहीं बढ़ेगा, हमने कहा ना पार्शली बढ़ेगा. तो वॉल्यूम राइजेस वी आई टू वी एफ, प्रेशर डज नॉट चेंज, और एम बी, जबकि आप मास अगर चेंज भी करते हैं, ठीक है. द प्रोसेस नोन एज आइसोबैरिक एक्सपेंशन ऑफ अ गैस, आपके पास गैस जो है एक्सपेंड हुई है, ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम बढ़ गया है, तो हम इस आइसोबैरिक प्रोसेस को कहते हैं आइसोबैरिक एक्सपेंशन ऑफ अ गैस. वेयर इफ द वॉल्यूम डिक्रीजेस, अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है तो हम इसे कहते हैं आइसोबैरिक कॉन्ट्रैक्शन या कंप्रेशन, ठीक है. कॉम्प्रेस्ड या कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सुखड़ जाना, तो उसका मतलब है आपके पास अगर वो गैस सुखड़ना शुरू हो जाएगी, कॉम्प्रेस्ड होना शुरू हो जाएगी, तो उसका मतलब है वो वॉल्यूम उसका कम होना शुरू हो जाएगा. एंड देन कंप्राइजेस द आइसोबैरिक प्रोसेस, और आइसोबैरिक प्रोसेस जो है ना वो असल में इन दोनों का एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों को मिला के बनता है. तो इसका मतलब है वहां पर आपके पास हीट का लॉस भी हो सकता है, हीट का गेन भी हो सकता है इन आइसोबैरिक कॉन्ट्रैक्शन. लेकिन जब हीट का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वॉल्यूम मजीद सुकड़ गया है, तो उसका मतलब है सिस्टम ने अपनी हीट को निकाल दिया है, तो गैस में लॉस पैदा होगा. और अगर वॉल्यूम एक्सपैंड हो रहा है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, तो इसका मतलब है आपके पास सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ है, ठीक है. तो इन पीवी ग्लास दिस प्रोसेस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल लाइन, आपके पास इस तरह की लाइन आएगी कि आपके पास प्रेशर तो कॉन्स्टेंट है, प्रेशर कॉन्स्टेंट है, लेकिन वॉल्यूम आपके पास बढ़ गया है. वी आई प्रेशर, वॉल्यूम था वी एफ तक चला गया, ठीक है. प्रेशर देखिए कांस्टेंट चल रहा है, सिर्फ वॉल्यूम में इजाफा हो रहा है. कॉमन एग्जांपल्स हैं कुछ आइसोबैरिक प्रोसेस की, मिसाल के तौर पर जब आप पानी को बॉईल करते हैं, स्टीम बनती है, ढक्कन, वो स्टीम जो है क्या करती है, प्रेशर डालती है ढक्कन को ऊपर की तरफ, क्या करती है, मूव करती है, और पानी उसमें से उबल उबल के बाहर आना शुरू हो जाता है. तो स्टीम फॉर्म्ड एक्सपेंड टू अ वॉल्यूम दैट इज एप्रोक्सीमेटली 1600 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम. जब पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है, उसमें से जो है वो स्टीम यानी भाप बन के बाहर आने लगती है, तो वो क्या करती है, वॉल्यूम देती है वॉल्यूम के मुकाबले में 1600 टाइम्स, जब आपके पास प्रेशर कांस्टेंट होता है. अब आपके पास अगर मैं बात करूं कन्वर्जन ऑफ वाटर, आइस और फ्रीजिंग, ये एग्जांपल दी हुई है कि आपके पास वाटर की जो स्टेट चेंज होती है, द कन्वर्जन ऑफ वाटर टू आइस और फ्रीजिंग इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है. अगर आप पानी को लें और उसको आइस बनाएं, तो वहां पर आपके पास क्या होगा, एक्सपेंशन का प्रोसेस होगा. लेकिन अगर आप आइस को उठा के लिक्विड और गैस में तब्दील करवा दें, तो वहां पर आपके पास आइसोबैरिक का कॉन्ट्रैक्शन वाला प्रोसेस होगा, क्योंकि आपके पास जो आपकी आइस है वो क्या करेगी, आपके पास जो है वो उस वक्त जो है वो लिक्विड में तब्दील हो जाएगी, उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी. अच्छा, ये चीज मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, ये चीज मैं आपको जो है बता चुकी हूँ, ठीक है. ये पूरी डेरिवेशन है जो मैंने आपको अभी समझाई है, लेकिन ये पढ़ लेते हैं. इसमें ये कह क्या रहा है कि वर्क डन को जो है किसी भी प्रोसेस में अगर वर्क डन परफॉर्म हो तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं. वर्क डन हमारे पास बराबर होता है पी डेल्टा वी के, ठीक है. अगर डेल्टा डेल्टा को हम जो है डी से भी लिखते हैं स्मॉल चेंज, तो मैं इसको पी डी वी लिख सकती हूँ. प्रेशर कॉन्स्टेंट है, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, मैं इंटीग्रल अप्लाई करूँ तो मैं टोटल वर्क डन फाइंड कर सकती हूँ, ठीक है, आइसोबैरिक प्रोसेस. तो आपके पास ये इक्वेशन बन रही है, और आपके पास वॉल्यूम में क्या चेंज आ रहा है, फाइनल वॉल्यूम, अपर लिमिट, इनिशियल वॉल्यूम, लोअर लिमिट, ठीक है. इफ यू लुक पी वी कर्व दिस टू बी अंडर द कर्व एरिया,
आपके पास ये चीज ऐसे आ रही होती है, ये तो आपको पता होगा, डेल्टा वी बराबर है डिफरेंस ऑफ फाइनल एंड इनिशियल वॉल्यूम. अगर गैस एक्सपेंड होती है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंड हुई है, एक्सपेंशन हुई है, वॉल्यूम बढ़ गया है, ठीक है. और अगर गैस कॉन्ट्रैक्ट हुई है तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, इसका मतलब है वर्क डन आपके पास नेगेटिव होगा, ठीक है. और अगर ये सब हो रहा था, द वर्क डन इज फाउंड बाय कैलकुलेटिंग द एरिया अंडर द कर्व, इट्स साइन डिपेंड्स ऑन वेयर द गैस कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड. अगर आपके पास वर्क डन जो है उसमें चेंज आ रहा है तो वो डिपेंड करेगा कि आपके पास गैस जो है, जो पीवी ग्राफ होता है, जो मैंने आपसे ये जो ग्राफ थोड़ा सा डिस्कस किया ना, ये तो सिंपल ग्राफ है. यहाँ पर जो ये चीज लिखी है पी ग्राफ है, जिसमें हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं. वो जो है ग्राफ जो है डिपेंड करेगा कि आपके पास गैस जो है एक्सपेंड हो रही है या कॉन्ट्रैक्ट हो रही है. तो ये सारी चीजें तो हम पढ़ लिए, ये भी पढ़ लिया, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ जिसमें हमने जो है इसको ड्राइव किया था. तो हम इसको दोबारा नहीं देखेंगे. अब आ जाते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस की तरफ, कि आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है. कि एन आइसोकोरिक प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है. आप अभी आइसोबेरिक पढ़कर आए, आइसोबेरिक में आपके पास वॉल्यूम का प्रेशर कांस्टेंट था, ठीक है. तो उसमें किस में चेंज आ रहा था, वॉल्यूम में चेंज आ रहा था. कभी वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो रहा था तो आपके पास आइसोबेरिक कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस हो रहा था, ठीक है. तो वहां पर वर्क डन नेगेटिव हो रहा था. और जब आपके पास जो है वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था, यानी गैस एक्सपेंड हो रही थी, वो वर्क डन पॉजिटिव हो रहा था. तो आइसोबेरिक प्रोसेस आपके पास एट कॉन्स्टेंट प्रेशर होता है, जबकि आइसोकोरिक प्रोसेस आपके पास वो प्रोसेस होता है जब आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट होता है. तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पर कोई भी वर्क डन परफॉर्म नहीं होगा. तो इसका मतलब है सिस्टम की सारी इंटरनल एनर्जी है वो इक्वल किसकी हो जाएगी, उस अमाउंट ऑफ हीट के जो आपने सिस्टम को दी होगी. एन आइसोकोरिक प्रोसेस ये तब होता है इन विच द वॉल्यूम हेल्ड कॉन्स्टेंट. इसका मतलब है सिस्टम पे कोई वर्क डन परफॉर्म नहीं होगा, डेल्टा डब्ल्यू आपके पास जीरो हो जाएगा. क्योंकि अगर आपने आपने जितना भी प्रेशर इस पर डालें, चाहे उस प्रेशर को, ये जो आपने इस पिस्टन के ऊपर आपने यहाँ पर प्रेशर क्या रखा हुआ है, आपने बहुत सारे जो है यहाँ पर लोड रख दिए, वेट्स रख दिए. आप चाहे उस वेट्स को चेंज करते रहे या कम करते ही रहें या बढ़ाते रहें, लेकिन तब भी सिस्टम के वॉल्यूम में चेंज ना आए, ये पिस्टन मूव ना करे, तो वर्क डन भी जीरो रहेगा. और अगर ऐसा है तो सारा का सारा जो अमाउंट ऑफ हीट है वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में यूज हो जाएगा. इट फॉलोज डेट सिंपल सिस्टम ऑफ टू डायमेंशंस, यानी वहां पर आपके पास एनी हीट एनर्जी ट्रांसफर टू द सिस्टम externally will be absorbed as internal energy. यानी वो कह रहा है आपके पास सिंपल सिस्टम दो डायमेंशन के हो सकते हैं. जो सिस्टम को आप हीट एनर्जी ट्रांसफर कर रहा होगा, सिस्टम जो हीट एनर्जी को सराउंडिंग्स अपने अंदर ट्रांसफर कर रहा होगा, एक्सटर्नली वो जो है सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में यूज हो जाएगी. एस आइसोकोरिक प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज आइसोमेट्रिक प्रोसेस और आइसोवॉल्यूमेट्रिक प्रोसेस. यानी एक ऐसा प्रोसेस जहां पर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा, आइसोवॉल्यूमेट्रिक. इसकी मिसाल कैसे है कि एन एग्जाम्पल वो टू प्लेस अ क्लोज टिन कैन कंटेनिंग ओनली एयर इनटू अ फायर. आपने क्या किया, आपने जो है एक टिन ले लिया जो कि पूरा क्लोज है, उसके अंदर गैस फिल्ड है या हवा भरी हुई है. आप उसको जो है ना किस में डाल दें, आप आग में डाल दें. वो कहता है कि उसके जो है वो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है. टू फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, पहले तो आपको लगेगा कि उस टिन में जो है ना कोई एक्सपेंशन नहीं हुई. फिर आप देखेंगे द ओनली चेंज विल बी दैट द गैस गेन्स इंटरनल एनर्जी. सिर्फ आपको दिखेगा कि आपकी जो गैस है ना, जो स्टिन में मौजूद जो गैस है, उसने वो अमाउंट ऑफ हीट को जो है एब्जॉर्ब किया और उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ गई. सो जो भी चेंज आया वो सिर्फ टेम्परेचर में चेंज आया और प्रेशर में चेंज आया, वॉल्यूम में कुछ एक्सपेंशन नहीं हुई. आपने कभी देखा है कि आप अगर टिन लें और उस टिन को बंद करके आप आग में फेंक दें,
पहले तो थोड़ी थोड़ी आग उसको मिलना शुरू होगी, पहले उसका आपको ना उसकी उसको एक्सपेंशन आपको नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगी, लेकिन थोड़ी देर बाद आप जाकर देखेंगे तो जो भी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी होगी ना वो एब्जॉर्ब कर लेगा और उसके टेम्परेचर में चेंज आएगा और वो पूरी तरीके से बाद में वहाँ पर जल भुन चुका होगा, तो सिस्टम का प्रेशर भी बढ़ा होगा मैथमेटिकली। तो आपके पास वर्क डन कुछ भी नहीं हुआ, सिस्टम की सारी इंटरनल एनर्जी किस में यूज हो गई, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी आपके पास किसके इक्वल हो गई, उस अमाउंट ऑफ हीट के इक्वल हो गई जो सिस्टम को उसने दी है। वी मे से दैट सिस्टम इज डायनामिकली इंसुलेटेड, यानी आपके पास सिस्टम जो है वो आइसोलेटेड है, इंसुलेटेड है, उसके ऊपर हीट का कोई असर नहीं हो रहा, इट इज अ रिजिड बाउंड्री फ्रॉम द एनवायरनमेंट, यानी सराउंडिंग्स का उस पर कोई असर नहीं हो रहा, यानी उसके वॉल्यूम में कोई चेंज पैदा नहीं हो रहा जबकि आप सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहे हो। अब आ जाते हैं हमने पढ़ लिए दो प्रोसेस, आइसोकोरिक और आइसोबेरिक। आइसोबेरिक में आपके पास वॉल्यूम प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो सिस्टम में दो तरह की जो है आपके पास आइसोबेरिक प्रोसेस परफॉर्म होते हैं, एक बाय एक्सपेंडिंग वॉल्यूम, तो आप उसको कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ आइसोबेरिक प्रोसेस, और एक जब आपके पास वॉल्यूम डिक्रीज हो, वर्क डन नेगेटिव हो जाए, तो वो कहलाता है कॉन्ट्रैक्शन आइसोबेरिक प्रोसेस। फिर आता है आपके पास आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस आपके पास कैसा प्रोसेस होता है, कैसा प्रोसेस जब आपके पास सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट है, भले ही आप सिस्टम को जो भी हीट प्रोवाइड कर रहे हो, सिस्टम के टेम्परेचर में भी चेंज आ रहा है, प्रेशर में भी चेंज आ रहा है, बस वॉल्यूम में कोई डिफरेंस पैदा नहीं हो रहा, वॉल्यूम उसका एक्सपैंड नहीं हो रहा, तो आपके पास माइक बंद करिए, जिसका भी मुझे जो है ना बोलने के बावजूद भी वो नहीं सुनेगा और उसका माइक जो है ऑन रह गया, मैं उसको क्लास में डिलीट करूंगा क्योंकि इससे डिस्टरबेंस पैदा होती है। माइक अपना बंद कर ले। अच्छा, अब बाकी दो प्रोसेस है छोटे से, अब उसको देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस, ये दोनों क्या कहते हैं, इसमें ये क्या बता रहे होते हैं, डिफरेंस बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। अच्छा, आइसोथर्मल में आपके पास ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है, और एडियाबेटिक एक ऐसा प्रोसेस होता है जो एक आइसोलेटेड सिस्टम में होता है, यानी ऐसा सिस्टम जिसमें बाहर वाली चीज का जो है, यानी हम ये कह सकते हैं सराउंडिंग्स का सिस्टम पे कोई असर नहीं होगा और सिस्टम का सराउंडिंग्स पे कोई असर नहीं होगा, जो भी चेंजेस पैदा हो रहे होंगे उस सिस्टम के अंदर ही इंटरनली जो है वो चेंज हो रहे होंगे, एक्सटर्नली उस पर कोई असर नहीं हो रहा होगा। तो डिफरेंस देखते हैं क्या है, डिफरेंस बिटवीन आइसोथर्मल इंटरनल, द डिफरेंस बिटवीन isothermal and adiabatic process has to be understood in order to understand practical industrial application. अगर हमें isothermal और adiabatic process को अगर समझना है तो हमें उसकी कुछ practical example, कुछ applications को समझना पड़ेगा। Both these processes are more frequently discussed in thermodynamics. ये वो दो main processes हैं जो कि सबसे ज़्यादा thermodynamics में study किए जाते हैं और इन्हें जो है डिस्कस किया जाता है, यानी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में। बोथ दीज प्रोसेस आर इंटायरली ऑपोजिट टू ईच अदर, दोनों ही प्रोसेस एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। ताहिर जमील को मैं बार बार क्लास से जो है वो रिमूव करूं, इसलिए वो जब भी क्लास ज्वाइन करते हैं उनका माइक ऑन रहता है, तो अगर वो पूछे हैं तो उनको मैसेज दे दीजिएगा मेरा।
ठीक है, तो यहाँ पर देखो इन्होंने दोनों दिखा दिया, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस आपके पास इज अ चेंज ऑफ अ सिस्टम, प्रोसेस इज अ चेंज ऑफ अ सिस्टम इन विच द टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट. वो ये कह रहा है जैसे ज्यादा हो रहे होते हैं तब आपके पास टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, यानी सिस्टम के इंटरनली जो है वो चेंजेस आते रहते हैं. जो भी चेंजेस आते हैं वो टेम्परेचर जब कॉन्स्टेंट होता है, लेकिन फिर भी आपके जो सिस्टम है उसमें चेंजेस होते रहते हैं, वॉल्यूम भी बढ़ता है, वॉल्यूम डिक्रीज भी होता है. और एडियाबेटिक प्रोसेस क्या कहता है, एडियाबेटिक प्रोसेस इज वन दैट अकर्स विदाउट अ ट्रांसफर ऑफ हीट और मैटर बिटवीन द थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग्स. एडियाबेटिक प्रोसेस में ये कहता है कि जो है अब मैंने कहा कि इसके सराउंडिंग्स में अगर कुछ मौजूद है उसका इसके ऊपर असर नहीं हो रहा, ठीक है, इसका असर इसके ऊपर नहीं हो रहा. और अगर नहीं रहा तो इसका मतलब है आपके पास ट्रांसफर ऑफ हीट नहीं हो रहा, यहाँ से बाहर कुछ नहीं जा रहा, यहाँ से अंदर कुछ नहीं जा रहा. तो इसका मतलब है वो ये कह रहा है कि आपके पास जो भी इसके अंदर चेंजेस हो रहे होते हैं सिस्टम में वो विदाउट एनी ट्रांसफर ऑफ हीट होता है बिटवीन अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड अ सराउंडिंग्स. ठीक है, जो भी सिस्टम है उसमें जो भी चेंजेस आते हैं वो इंटरनली आते हैं, इसी तरीके से सराउंडिंग्स में भी जो चेंजेस आते हैं वो इंटरनली आते हैं. ठीक है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता बीच में, क्योंकि हीट का ट्रांसफर नहीं होता. अच्छा, और जो डिफरेंस बिटवीन है वो मैंने यहाँ पर भी बता दी है और कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर भी बता दिए हैं. जो मैंने आपको पीछे जो डेफिनेशंस बताई है वो यहाँ लिखी हुई है कि वो प्रोसेस होते हैं. जैसे मैं आपके पास जो एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक में अभी हमने बात की हीट का ट्रांसफर नहीं होता टूवर्ड्स और फ्रॉम द लिक्विड विच इज कंसीडर्ड, वेयर ऑन द अदर हैंड जबकि आइसोथर्मल प्रोसेस में, मैंने आपसे क्या कहा कि एडियाबेटिक प्रोसेस में आपके पास जो है हीट का ट्रांसफर यानी एक्सचेंजिंग ऑफ हीट बिटवीन टू सिस्टम, बिटवीन टू बॉडीज, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स नहीं होता, लेकिन उनके इंटरनली चेंजेस हो रहे होते हैं, इट इज कॉल्ड एडियाबेटिक प्रोसेस. तो हम एडियाबेटिक प्रोसेस को हम ये कह सकते हैं कि ये आइसोलेटेड प्रोसेस होता है. देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट, आइसोथर्मल में हीट का ट्रांसफर होता है सराउंडिंग्स का सिस्टम से और चेंजेस भी आते हैं जबकि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, लेकिन ओवरऑल चेंजेस आते हैं. अब देखते हैं यहाँ पर ये क्या कह रहा है पॉइंट्स की फॉर्म में, आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक. आइसोथर्मल ये कहता है कि हीट का ट्रांसफर ऑफ हीट अकर्स, आइसोथर्मल में हीट जो है ट्रांसफर होती है बिटवीन टू सिस्टम्स, सिस्टम एंड सराउंडिंग्स से टू बॉडीज, जबकि एडियाबेटिक्स में हीट का ट्रांसफर नहीं होता, अभी हमने देखा, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम है. प्रेशर इज मोर एट अ गिवन वॉल्यूम, प्रेशर इसमें ज्यादा होता है, और एडियाबेटिक के प्रोसेस में आपके पास प्रेशर जो है वो कम होता है. यहाँ वो कहता है आइसोथर्मल में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है, जबकि यहाँ वो कहता है कि सिस्टम का जो है टेम्परेचर चेंज होता है. क्यों? क्योंकि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में वेरिएशन आ रहे होते हैं. फिर फोर्थ पॉइंट पे वो कहता है सिस्टम की हीट एनर्जी जो है वो हीट या तो ऐड होती है या वो रिलीज होती है. एडेड का मतलब है उसने एब्जॉर्ब कर लिया और रिलीज का मतलब है उसने लॉस कर दिया जस्ट टू कीप द सेम टेम्परेचर. आपके पास क्या है वॉल्यूम, आपके पास जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, यानी टेम्परेचर अगर T1 था तो T2 ही रहा, लेकिन फिर भी जो है सिस्टम ने हीट जो है वो लॉस किया है या गेन किया है, जबकि यहाँ पर जो है हीट का कोई एब्जॉर्प्शन, कोई एडिशन, कोई बाहर वो ना वो कोई हीट को रिलीज करता है ना वो हीट को ऐड करता है अपने अंदर. तो जो भी होता है बाय मेंटेनिंग कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डज नॉट मैटर हेयर. तो कहते हैं कि आप अगर बाय टेम्परेचर को जो कॉन्स्टेंट डज नॉट, अगर आप टेम्परेचर को अपने जो है मेंटेन भी कर लो तो उसका असर सिस्टम पे नहीं होता. ठीक है, और यहाँ पर जो है वो कहता है कि फॉर्मेशन बहुत स्लो होती है. भाई क्यों फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन स्लो है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि हीट का ट्रांसफर होना बिटवीन टू बॉडीज यहाँ पर बहुत स्लोली होती है, यानी वॉल्यूम में जो चेंज आता है बहुत आहिस्ता आहिस्ता आता है, क्योंकि आपके पास वॉल्यूम प्रेशर क्या होता है कॉन्स्टेंट होता है. जबकि एडियाबेटिक में जो होता है वो कह रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन बहुत फास्ट होती है, क्योंकि वो जहाँ वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा होता है वो सिस्टम के अपने अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं, वहाँ पर टेम्परेचर का कोई अमल दखल नहीं होता. अच्छा, जो मैंने आपको चीजें बताई वो यहाँ पर ये लिखी हुई है
ये कि इसको आप खुद भी पढ़ लीजिएगा कि ये क्या होता है. पहला जो है मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसमें कहा क्या जा रहा है. ठीक है, व्हाई एडियम प्रोसेस. अब वो कह रहे हैं कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस एक आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं होता, या एक आइसोथर्मल प्रोसेस. यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि आपके पास एडियाबेटिक प्रोसेस में कोई हीट का ट्रांसफर नहीं होता, जबकि आइसोथर्मल सिस्टम में हीट का ट्रांसफर होता है. तो अब ये पढ़ते हैं क्यों ऐसा है. एज अ थर्मोडायनामिक टर्मिनोलॉजी, अगर आप थोड़ा सा थर्मोडायनामिकली सोचें, इन द एडियाबेटिक प्रोसेस नो हीट एक्सचेंज फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग्स, आई नाइदर ना वहां पर कोई एक्सपेंशन हो रही होती है, ना वहां पर, यानी ना वहां पर सिस्टम के वॉल्यूम में कोई इजाफा हो रहा होता है, ना उसमें कमी वाक़ हो रही होती है. वेयर एज जबकि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, फिर भी वर्क डन परफॉर्म होता है, यानी वॉल्यूम में चेंज आता है क्योंकि हीट ट्रांसफर हो रही होती है. अब ये देखते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस की एग्जाम्पल क्या है. An example of adiabatic process is a vertical flow of air in the atmosphere. ठीक है, vertical flow, heat का जो है vertically इखराज होना या बढ़ जाना, उसका एक जगह से दूसरी जगह जाना atmosphere में. यानी ये हम कह सकते हैं कि आपके पास जो हमारा जो environment है, जो हमारी फिजा है, उसमें जो heat का flow, यानी जो heat की वो सॉरी air की जो direction होती है, वो कहलाती है आपके पास adiabatic process. ठीक है, सो जिसमें आपके पास एयर एक्सपैंड एंड कूल एज इट राइजेस. एयर एक्सपैंड और कूल होती है, आपके पास डिपेंड करता है कि जब वो आपके पास क्या हो रहा हो, या आपके पास टेम्परेचर राइज हो रहा हो, या फिर आपके पास यानी एयर एक्सपैंड एंड कूल्स एज इट राइजेस, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ जाए या उसका टेम्परेचर आपके पास कम हो जाए. एंड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ग्रोज वार्मर एज इट डिसेंट, यानी कब वो ठंडी हो रही है, कब वो गर्म हो रही है, कब वो एक्सपैंड होगी, कब वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, डिपेंड करता है कंडीशंस पे. अनदर एग्जांपल उन्होंने कहा कि इंटरस्टेलर गैस क्लाउड एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो आपके पास जो क्लाउड्स बनते हैं, सुकड़ते भी रहते हैं, ख़त्म भी होते रहते हैं, बढ़ते भी रहते हैं, तो वो किस वजह से बनते हैं, वो वहाँ पर मौजूद गैसेस की वजह से बनते हैं जब वहाँ पर डिफरेंट प्रोसेस होते हैं. एडियाबेटिक चेंजेस एकॉम्पनीड बाय चेंज इन टेम्परेचर. एडियाबेटिक प्रोसेस में एक्सटर्नली कोई चेंज उनको नहीं मिलता है, जो भी चेंज होता है वो इंटरनली मिलता है, और वहाँ पर जो है टेम्परेचर जो है अब चेंज करने की वजह से एडियाबेटिक प्रोसेस में चेंजेस आ रहे होते हैं. अब एक और पॉइंट है कि आइसोथर्मल जो है आपके पास क्या एडियाबेटिक होता है, ऊपर आप पढ़ता है कि एडियाबेटिक प्रोसेस आइसो नहीं होता है. क्यों नहीं होता? कि आपके पास वहां पर हीट का कोई फ्लो नहीं होता और टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता. ठीक है, तो और दूसरी बात कि सिस्टम का सराउंडिंग से कोई ताल्लुक नहीं बनता, तो कोई एक्सपेंशन कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती, जो भी होती है वो सिस्टम के अंदर काम हो रहा होता है. ठीक है, और अब वो बात कर रहे हैं कि आइसोथर्मल एडियाबेटिक हो सकता है. व्हाई? It is the process where work is done between the same temperature difference. ये कहता है कि isothermal एक ऐसा process होता है जिसमें work done जो भी perform हो रहा होता है उस वक्त हो रहा होता है जब आपके पास temperature जो है वो temperature का जो difference है वो same रहे, उसमें कोई change ना आए, क्योंकि temperature आपके पास क्या है वो constant हो गया. Whereas in adiabatic process the work done where there is no heat or temperature difference is there. जबकि आपके पास यहाँ पर एडियाबेटिक में वो कह रहा है कि यहाँ पर भी जब वर्क डन परफॉर्म होता है तो वहाँ पर कोई हीट सिस्टम को ना मिलती है ना वो निकालता है, और टेम्परेचर डिफरेंस इज देयर, टेम्परेचर में तब्दीली भी वाकई हो रही हो तब भी वर्क डन परफॉर्म होता है. और यहाँ क्या है, उसने यहाँ कहा कि जो भी टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं, वो जो टेम्परेचर चेंजेस आते हैं वो चेंजेस भी कांस्टेंट रहते हैं. पहले एक डिग्री बढ़ गया, फिर थोड़ी देर बाद टू डिग्री बढ़ गया, तो उस हर एक एक डिग्री के बढ़ने पर जो भी आप चेंज उसका कैलकुलेट करोगे वो सेम रहे. तो इट मींस आपके पास हम ये कह सकते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस होता है. ठीक है, अच्छा ये चीज़ यहाँ ख़त्म हुई.
अब हम दूसरी जो है वो प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं. एक मिनट. अच्छा इसमें क्या है. ये मुझे आपको पढ़ाना है. और एक थी हीट ऑफ थर्मोडायनामिक्स और एक थी हमारे पास लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड कार्नोट. एक मिनट. इसमें भी कोई डिफरेंस है. नहीं ये दो ही है. एक और थी मेरे पास से वो यहाँ मौजूद नहीं है. एक मिनट. जिसने अच्छी क्लास वो की उसने अपना बड़ा लॉस किया. मैम क्यों ज्यादा कुछ हम. अच्छा जी मैम मैं पूछ रहा हूँ अच्छी क्लास की रिकॉर्डिंग डाल देंगी. जी 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 मैंने पिछली क्लास की भी जो है पिछली दो क्लासेस की भी रिकॉर्डिंग डाउनलोड की थी लेकिन मुझे जो है अपलोड करने का मौका नहीं मिला क्योंकि नेट मेरी तरफ जो है जाहिर है सब यूज़ कर रहे होते हैं तो यहाँ से डाउनलोड और अपलोड करने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ये आपकी ढाई घंटे की जो रिकॉर्डिंग होती है ना वो तकरीबन 1 GB की होती है तो सोचिए आप अपलोड होने में उसको कितना टाइम लगता है. 3 या 2-3 आवर्स तो लगते ही हैं. मैम प्लीज अपलोड कर आज जो मैंने अभी अभी आया था जो ये लेक्चर है ना ये वहां पर ऑलरेडी अपलोड हुए हुए हैं. कुछ लेक्चर्स थर्मोडायनामिक्स के YouTube पे मौजूद है. मैं देख लूंगी अगर ये वाला नहीं मौजूद हुआ ना इससे रिलेटेड कोई भी चीज तो मैं ये वहां अपलोड कर दूंगी. ओके मैम. हमारा तकरीबन जो है ये 1.5 से 1.5 महीने के जो ड्यूरेशन था हमारा ये इस समर का इसमें हमने अपना 90% से 95% कोर्स हमने तकरीबन कंप्लीट कर लिया. कुछ चीज़ें जो हम नहीं देख सके जिसमें आपके पास विस्कोसिटी और ट्रांजिस्टर्स वगैरह हैं उनको हम देखेंगे अपनी लैब में. ठीक है तो वो भी वहाँ कवर हो जाएगा जो थोड़ा बहुत रह गया. ठीक है अब जल्दी से हम इसको देखते हैं. अच्छा व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं कि थर्मोडायनामिक्स क्या है फिर किन चीज़ों के रिलेशनशिप से ये डेवलप होता है हमने ये भी देख लिया. हीट वर्क एंड एनर्जी. हीट आपके पास ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी. वर्क डन क्या है जो परफॉर्म होता है बाय अगर आपके पास सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की तो वर्क डन बढ़ जाएगा. वर्क डन पॉजिटिव होगा वॉल्यूम बढ़ जाएगा और अगर सिस्टम ने हीट रिलीज की तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो वर्क डन भी नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है और अगर सिस्टम की एनर्जी या इंटरनल एनर्जी वो भी इससे ताल्लुक रखती है. ठीक है तो अब बात आ जाती है कि सिस्टम बाउंड्री सराउंडिंग्स ये सब क्या होते हैं. मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था कि आपके पास बाउंड्री क्या होती है सराउंडिंग्स क्या होती है सिस्टम क्या होता है. सिस्टम हम हैं. ठीक है
सराउंडिंग्स हमारे हमारा एनवायरनमेंट है, हमारा एटमॉस्फेयर है. जैसे एयर जो है वो हमारी सराउंडिंग्स है, क्योंकि उसका भी कुछ ना कुछ टेम्परेचर है, उसका कुछ ना कुछ प्रेशर है, उसका भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम है. इसी तरीके से हमारी बॉडी का भी टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर होता है, जो कि हमारी बॉडी और उस वो जो एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर होता है वो इंटर रिलेट कर रहा होता है, जो हमारी बॉडीज में भी चेंजेस पैदा करता है. अब देखिए ना, हमें नज़ला जुकाम हो जाता है, हम बीमार पड़ जाते हैं, हमें खांसी हो जाती है, तो ये चीज़ें हमारी जो है उससे रिलेट करती हैं. फिर आपसे मेरे बात आती है बाउंड्री की. अच्छा, एक होती है आइसोलेटेड बाउंड्री. आइसोलेटेड बाउंड्री एक ऐसी बाउंड्री होती है जिसका सिस्टम और सराउंडिंग्स पे कोई असर नहीं होता. ठीक है, मिसाल के तौर पर आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि जैसे मैं अभी अपने घर में मौजूद हूँ, ठीक है, और या दुनिया में जितने लोग भी मौजूद हैं जिनका फॉर एग्जांपल उनको नहीं पता कि बाहर ये इस अर्थ से बाहर अभी इस वक्त क्या हो रहा होगा, ठीक है, और जो अर्थ से बाहर अगर कोई मखलूक मौजूद है या स्पेस में जो लोग मौजूद हैं उनको नहीं पता होगा कि इस वक्त यहाँ क्या हो रहा है. ठीक है, तो ये चीज़ होती है आपके पास एक एक्सेलरेटेड सिस्टम की तरह. और अगर हमें पता है कि बाहर वाली चीज़ का हम पे कोई जो है असर नहीं हो रहा और हमारी किसी चीज़ का उन पे कोई असर नहीं होता, तो वो वहाँ पर एक बाउंड्री क्रिएट हो जाती है. ठीक है, बाउंड्री क्रिएट हो जाती है. इसकी मिसाल एक और अच्छी है, जैसे कि जो किसान होता है वो जो भी काम करता है अपने खेत में करता है. उस खेत का कुछ ना कुछ क्या होता है, एरिया होता है, उसकी फील्ड होती है, उसकी कुछ लिमिट होती है. वो काम जो उसको खेती बाड़ी करनी है वो उसी में करेगा, वो उससे बाहर जाके नहीं करेगा. ठीक है, तो वो एक बाउंड्री बनी हुई होती है. ठीक है, तो जो भी काम हो रहा होता है वहाँ पर उस सिस्टम में हो रहा होता है और वहीं पर हो रहा होता है, उसका बाहर वाले चीज से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता. यानी कहने का मतलब है उसके बराबर में अगर कोई खेत है तो उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा, क्योंकि वहां पर एक बाउंड्री बनी हुई होगी. सही, जैसे पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर तो बना हुआ है लेकिन कोई बाउंड्री है नहीं वहाँ. इंडिया हमेशा पाकिस्तान को जो है निशाना बनाता रहता है. ठीक है, यानी हमेशा मुदाखलत करना काम है उसका. इसी तरीके से हमारा जो ये मैंने आप लोगों से किसान और खेत खलिहान की बात की, यहाँ पर भी कोई मेरे ख्याल से बाउंड्री होती नहीं है. यहाँ पर भी जो है ज़मींदारों और बाकी चीज़ों की मुदाखलत होती रहती है. और हमारी लाइफ में भी ऐसा ही कुछ है कि हम दूसरों को मुदाखलत करने का मौका खुद देते हैं, हमें नहीं करना चाहिए. तो मींस इसका मतलब है कि हमें किसी थर्ड पार्टी को अपने उसमें जो हमारे जो भी कोई मैटर्स होता है उसमें हमें ना तो उनसे डिस्कस करना चाहिए ना हमें उसमें इंटरफेयर होने देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, या तो बात बन जाती है या बात बिगड़ जाती है. मैक्सिमम जो होती है वो बात बिगड़ जाती है, बात बनने का अमल बहुत कम होता है. तो बेहतर है कि वो बात आप वहीं तक रखें जिस इंसान से आपका ताल्लुक है. तो बस ये सिस्टम. ठीक है, तो सिस्टम और सराउंडिंग्स भी इसी तरीके के होते हैं. ठीक है, अच्छा, सिस्टम बाउंड्री क्या होता है? अ बाउंड्री इज अ क्लोज सरफेस. अ बाउंड्री जो होती है एक क्लोज सरफेस की तरह होती है सिस्टम के अराउंड, थ्रू विच एनर्जी एंड मास में एंटर और लीव द सिस्टम, जिसमें आपके पास सिस्टम में एनर्जी या फिर हीट या फिर जो भी मास है, यानी जो भी प्रेशर आपने उस पर डाला है, या तो वो उस पर असरअंदाज होगा या वो उसको छोड़ के चला जाएगा. ठीक है, अब देखो यहाँ पर उन्होंने एक बाउंड्री क्रिएट की सराउंडिंग से, इसे हीट मिली, इसने वर्क डन किया है. जो भी वर्क डन किया होगा वो इनके दरमियान आपस में इंटरेक्शन की वजह से हुआ है. सराउंडिंग्स क्या होती है? एवरीथिंग दैट इंटरेक्ट विद द सिस्टम, वो तमाम चीज़ें जो सिस्टम से इंटरेक्ट कर रही हों, उससे रिलेशनशिप बना रही हों. यानी कहने का मतलब है कि जैसे हमारे हम जो इंसान हैं, मौसम चेंज होता है, मौसम चेंज होने का असर सिर्फ हमारे ऊपर नहीं होता, परिंदों पे होता है, पानी पर होता है, यानी अर्थ पे मौजूद जो तमाम चीज़ें हैं उन सब पर होता है. ठीक है, इवन जो आपके पास सिर्फ मौसम के चेंजेस की बात नहीं, हम गर्म कपड़े पहनने लगते हैं सर्दियों में, टेम्परेचर कम हो जाता है, हमारी स्किन पे असर होता है, ये तो इस तमाम चीज़ें रिलेट कर रही होती हैं.
ठीक है, इसी तरीके से हमें गर्मी में पानी ज्यादा पीने को कहा जाता है, क्योंकि मौसम जो होता है अब गर्म होता है, आपकी बॉडी को डिहाइड्रेशन की जरूरत, ठीक है, तो आप पे असर करती है। इसी तरीके से एनिमल, जो एनिमल्स होते हैं, परिंदे होते हैं, ये इनका भी सिस्टम होता है कि ये वहाँ रहना ज्यादा पसंद करते हैं जो जो सराउंडिंग्स यानी मौसम को वो वहाँ पर वो जिंदा रह सकें उनके सर्वाइवल के लिए। और जब वो मौसम चेंज होता है तो वो दूसरे इलाके की तरफ चले जाते हैं जहाँ उनका जो है सर्वाइवल रहना मौजूद हो। जैसे अब मेंढक की बात आती है, मेंढक जो है वो एक मौसम पता नहीं कितना, मुझे ज़्यादा एग्जैक्टली याद नहीं है, वो सोकर गुजार सकता है, उसको कोई वो नहीं होती। अच्छा, इसी तरीके से ये है जो कैमल होता है ऊंट, वो बगैर जो है खाना पिए जो है खाए पिए मेरे ख्याल से 2 या 10 दिन पता नहीं कितने दिन जिंदा रह सकता है। तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ की देखो बनाई है। सिस्टम क्या है? सिस्टम आपके पास सराउंडिंग्स हमने बात कर ली, सिस्टम क्या है? वो रीजन कंटेनिंग एनर्जी और मैटर डेट इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स बाय ऑर्बिटेडली इम्पोज्ड वॉल और बाउंड्रीज। ये कहते हैं कि सिस्टम एक ऐसा रीजन होता है, एक ऐसी जगह होती है जिसमें आपके पास एनर्जी और मैटर का आपस में इंटरेक्शन अलग अलग सराउंडिंग से होता है, यानी उसकी स्टेट में चेंज आ रहा होता है। उस सिस्टम को जब एनर्जी मिल रही होती है, या तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है या वो एनर्जी को रिलीज कर देता है, ठीक है, यानी उसकी बाउंड्रीज से उसके ऊपर असर हो। अब ये कुछ लॉज है, इन्हें हम नहीं देखेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये जीरोथ लॉ कहता क्या है, क्योंकि इसके बाद आया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये कहता है जीरोथ लॉ, इफ टू सिस्टम आर इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, अगर दो सिस्टम, फॉर एग्जांपल एक सिस्टम ए है एक सिस्टम बी है, आपस में इनके दरमियान थर्मोडायनामिकली कोई प्रोसेस हो रहा है विद अ थर्ड सिस्टम, यानी दो सिस्टम है आपस में उनके दरमियान जो भी हीट का एक्सचेंज हो रहा है या जो भी चेंजेस वहां पर आ रहे हैं, असल में वहां पर जो चेंजेस आ रहे हैं वो थर्ड पार्टी की वजह से आ रहे हैं। तो कहता है द टू ओरिजिनल सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, तो कहता है कि जो दो ओरिजिनल सिस्टम है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में रहते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि उनका आपस में कुछ भी जो है थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि वहां पर जो भी चेंजेस हो रहे होते हैं ना, वो कॉन्स्टेंट चेंजेस हो रहे होते हैं with each other. Basically, if system A is the thermal equilibrium with system C, अगर system A system C से relate करता है, समझ लीजिए ये system C है मेरा, इससे relate करता है, तो system B भी relate करता है system C से। जैसे हम करते हैं ना कि दो लोगों की आपस में अगर for example हम अपने best friend के पास होते हैं, हमारी उससे लड़ाई हो जाती है, अब जाहिर अब हम उससे कोई बात नहीं कर सकते, तो वो बात हम किसी और से जाके कर रहे होते हैं, वो थर्ड पार्टी होती है। और अगर वो थर्ड पार्टी का ताल्लुक उस सेकंड पार्टी से भी है, यानी मेरे बेस्ट फ्रेंड से भी है, तो वो उससे भी डिस्कस करेगा, तो क्या होता है, थर्ड पार्टी जो होती है ना, या तो लड़ाई करवा देती है या दोस्ती करवा देती है। तो थर्ड पार्टी का ताल्लुक जो है वो ए का बी से भी, ए का सी से रिलेशनशिप बन भी रहा है और बी का भी सी से रिलेशनशिप बन रहा है। अब वो कहता है कि तो इसमें बताने का क्या मतलब है, जीरो थर्मोडायनामिक्स लॉज में वो ये कह रहा है कि आपके पास जो दो सिस्टम हैं वो आपस में तो इंटरेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन उनका जो इंटरेक्शन है वो किसी थर्ड पार्टी से है, ठीक है, तो जो भी उसमें चेंजेस आ रहे हैं सिस्टम ए और सिस्टम बी में, वो उस थर्ड पार्टी की वजह से आ रहे हैं, उनके आपस में नहीं आ रहे, क्योंकि वहाँ पर क्या है थर्मोडायनामिकली प्रोसेस जो भी है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन है। एसेंशियली टू सिस्टम देयर इज थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, वो कह रहे हैं कि जैसे कि हमने बात की कि दोनों सिस्टम क्या है, दोनों सिस्टम वहाँ पर थर्मोडायनामिकली इक्विलिब्रियम में है। थर्मोडायनामिकली इक्विलिब्रियम का मतलब है कि आपस में उनके दरमियान कोई भी एक्सचेंजिंग नहीं हो रही, कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा, कोई भी टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा, सिस्टम या जो भी दोनों सिस्टम है उसमें जो है वर्क डन कुछ नहीं हो रहा। तो इन्होंने यही कहा है कि अगर दोनों सिस्टम थर्मोडायनामिकली इक्विलिब्रियम में है तो विल नॉट एक्सचेंज एनी हीट, वहाँ पर हीट की एक्सचेंजिंग नहीं होगी। सिस्टम इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम विल हैव द सेम टेम्परेचर, जो भी सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होते हैं उन दोनों का टेम्परेचर क्या होता है, सेम होता है। अब आप ये देखिए यहाँ पर हीट का एक्सचेंज हुआ है तो टेम्परेचर में डिफरेंस आया है,
लेकिन यहाँ पर हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, इनके दरमियान कोई एरो मौजूद नहीं है. तो ये जो सिस्टम है जिसमें टेम्परेचर दोनों के सेम है, तो ये इस वक्त क्या है, थर्मोडायनामिकली इक्विलिब्रियम कंडीशन में, जहाँ पर हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा. तो जेम्स क्लार्कसवेल एक साइंटिस्ट था जिसने ये बात कही थी कि इफ टू बॉडीज अगर वो थर्मोडायनामिकली कम्युनिकेशन में आ जाती हैं, तो एक सिस्टम अगर दो बॉडीज आपस में इंटरेक्ट करती हैं, ठीक है, थर्मोडायनामिकली, तो कोई एक ना एक सिस्टम हीट लॉस करता है और दूसरा उसको हीट एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है, यानी एक सिस्टम जो कि हीट रिलीज आउट करता है और जो हीट रिलीज की होती है, दूसरा सिस्टम उसी को हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, गेन कर लेता है. तो हम ये कह सकते हैं द बॉडी विच कैरीज आउट इज सेट टू बी इन हायर टेम्परेचर एंड विच रिसीव्स द हीट, यानी वो बॉडी जिसने हीट को रिलीज कर दिया, निकाल दिया, उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा. और वो बॉडी जिसने हीट को एब्जॉर्ब किया है सिस्टम ए से, अगर सिस्टम ए ने और सिस्टम बी ने आपस में क्या किया, अगर एक्सचेंजिंग की, सिस्टम ए ने क्या किया, हीट का लॉस किया, तो इसके टेम्परेचर में कमी आएगी और जो भी हीट का ट्रांसफर हुआ इसने सिस्टम बी को दे दी, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा. ठीक है, तो उन्होंने यही कहा है कि हीट दैट एंड द अदर के द बॉडी विच इज आउट हीट, जो बॉडी हीट को आउट करेगी इज सेट टू हैव अ हायर टेम्परेचर दैट विल रिसीव हीट फ्रॉम इट, यानी वो बॉडी जो कि हीट को बाहर निकालने के बाद उस बॉडी को हीट देगी जो उसने रिसीव की है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा. इफ when टू बॉडीज आर इज प्लेस इन थर्मल इक्विलिब्रियम नाइदर ऑफ देम लॉसेस और गेन हीट, और अगर वही दो बॉडीज थर्मो इक्विलिब्रियम में ना रहें, तो वहाँ पर ना तो हीट का वहाँ पर हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होगा, जबकि उन दोनों बॉडीज के टेम्परेचर्स क्या रहेंगे, कॉन्स्टेंट रहेंगे, यानी सेम रहेंगे. तो उन्होंने दो बातें करी कि अगर दोनों बॉडीज के दरमियान हीट का एक्सचेंज होता है, यानी थर्मोडायनेमिकली कम्युनिकेशन होता है उनके दरमियान, तो दोनों के दरमियान अगर हीट का ट्रांसफर हुआ, हीट का एक्सचेंज हुआ, तो उनके टेम्परेचर में डिफरेंस आता है. लेकिन अगर दो बॉडीज के दरमियान कोई थर्मोडायनेमिकली कम्युनिकेशन नहीं हुआ, हीट का ट्रांसफर, हीट का एक्सचेंज नहीं हुआ, यानी वो किस कंडीशन में है, थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम में, तो इसका मतलब उन दोनों की बॉडीज के टेम्परेचर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, अदरवाइज उन दोनों बॉडीज के टेम्परेचर आपके पास कॉन्स्टेंट रहेंगे, यानी सेम रहेंगे. ठीक है, तो मैक्सवेल ने ये बात कह दी, बॉडीज हुज टेम्परेचर आर इक्विलिब्रियम, वो बॉडीज जिनका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है, वो बॉडीज सो दैट सेम बॉडीज हैव देमसेल्फ इक्वल टेम्परेचर, तो वो बॉडीज आपस में क्या होती हैं, एक जैसी होती हैं और उनका टेम्परेचर क्या होता है, कॉन्स्टेंट रहता है. जबकि जीरोथ लॉ में हमें क्या बताया, जीरोथ लॉ में हमें उसने ये बताया कि दो सिस्टम आपस में तो इंटरेक्ट नहीं कर रहे, वो किसी थर्ड पार्टी से इंटरेक्ट कर रहे. जबकि मैक्सवेल ये कह रहा है कि अगर वो इंटरेक्ट कर रहे हैं तो हीट का एक्सचेंज होगा, और अगर वो इंटरेक्ट नहीं कर रहे तो हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, वो थर्मोडायनामिकली इक्विलिब्रियम में रहेंगे और टेम्परेचर उनका सेम रहेगा. मैक्सवेल कहता है, मैक्स प्लैंक कहता है, अगर बॉडी ए इस थर्मोडायनेमिकली विद टू अदर बॉडीज, अगर बॉडी ए बॉडी बी से भी ताल्लुक रखती है, बॉडी सी से भी ताल्लुक रखती है, तो हम ये कह सकते हैं कि बी एंड सी भी आपस में क्या करेंगी, इंटरेक्ट करेंगे. तो ये जो है आपके पास, मैंने सिर्फ जीरोथ लॉ पढ़ा है, मैं सेकेंड लॉ या थर्ड लॉ नहीं पढ़ाऊंगी, डायरेक्ट में चलूंगी अपने न्यू टॉपिक की तरफ जो मुझे असल में आपको पढ़ाना है, कि आपके पास जो है दो चीज़ें होती हैं, एक होती है एंथैल्पी, एक होती है एंट्रोपी, एक होती है जिब्स फ्री एनर्जी. अब ये चीज़ें होती क्या है इन जी, तो आप नमाज पढ़ के आ जाएं, डेढ़ बजे तक मैं क्लास ख़त्म कर दूंगी, डेढ़ बजे तक हमारी क्लास ख़त्म हो जाएगी. मैम सुन्नत भी पढ़नी होती है, नमाज सभी को पढ़नी होती है. मैंने आपसे क्या कहा, आप जाके पढ़ लें फिर आप पढ़ के आ जाएं. मैंने अभी ये सब करना शुरू कर दिया तो मैं जो हूँ डेढ़ बजे तक क्लास नहीं ख़त्म कर सकूँगी और मुझे टॉपिक भी ख़त्म नहीं कर सकूँगी. जो मेरा मेन टॉपिक है ना, लास्ट टॉपिक, तो अब मैं उसको स्टार्ट करने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे उससे जो डिस्कस करना है आपसे वो करना ज़रूरी है. तो लास्ट के 5 मिनट्स हमारे पास बचेंगे तो हम उसमें कर लेंगे, या मैं कर लेती हूँ, ऐसा करती हूँ 5 मिनट लगेंगे.
लेकिन उससे क्या होगा कि उससे जो है ना आप लोग क्लास छोड़ के चले जाएंगे, इसीलिए हम कंटिन्यू रखते हैं। हमें डेरिवेशन इसकी नहीं समझनी है, हमें ये स्किप कर दे रहे हैं, हमें ऐसा समझना है कि जिप्स फ्री एनर्जी क्या होती है। ठीक है, हमारे पास जो ये रिलेशनशिप है ना इसको समझना है और यहाँ पर हो क्या रहा है उसको समझना है। जिप्स फ्री एनर्जी है क्या और ये क्या बता रही होती है? अच्छा, थोड़ा सा समझ लीजिए, एंट्रोपी। एंट्रोपी आपके पास होता है डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम, सिस्टम में बिगाड़ पैदा होना, वो कहलाता है डिसऑर्डर। ठीक है, अभी देखो अगर हमारे पास जो है मौसम में चेंजेस आते हैं तो उसका असर हमारे उस पर होता है, हमारे बॉडी पर होता है, प्लांट्स पे होता है, एटमॉस्फेयर पे होता है, एनवायरनमेंट पे होता है। अगर हम जो सन है बहुत ज़्यादा गर्म होना शुरू हो जाए तो यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हमारे सिस्टम में चेंजेस आना, इंसान बीमार पड़ना शुरू, अचानक से अगर अब टेम्परेचर बढ़ जाए, गर्मी हो जाए, हीट स्ट्रोक आ जाए तो क्या होता है कि इंसान बीमार पड़ना शुरू हो जाता है, उसको वायरल इन्फेक्शन और डिफरेंट डिजीजेज होते हैं। इसी तरीके से सर्दी ज़्यादा पड़ती है तो तब भी हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगती है और हमारे जो है बीमार पर हमें खांसी बहुत ज़्यादा रहनी पड़ती है, तो ये चीज़ें चेंजेस होते रहते हैं। तो इसी तरीके से एक डिसऑर्डर हमारे पास कैसे होता है कि अगर सिस्टम में से आपके पास आपके आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर अगर जो है आपके पास रेडिएशंस का कोई जैसे वॉल्केनोज होते हैं या फिर जलजले वाक़े होते हैं या ये जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था जहाँ पर एटॉमिक बॉम्ब वगैरह के जो है वो तजुर्बे होते हैं, तो वहाँ की ऐसे इलाकों में किए जाते हैं जहाँ पर कोई आबादी, कोई परिंदे, कोई घास फूस, कोई खेती बाड़ी ना होती हो, क्योंकि उसका असर उन चीज़ों पर भी होता है। तो आपके पास कि मैंने आपसे बात कर की एंट्रोपी को मैं डिफाइन कर रही हूँ, यानी किसको डिफाइन कर रही हूँ कि सिस्टम के सिस्टम में चेंज आ जाना, उसका उस सिस्टम के ऑर्डर में चेंज आना, उसमें चेंजेस पैदा हो जाना, तो हमारे पास डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम कहलाता है एंट्रोपी और उसका सिंबल होता है आपके पास डेल्टा एस। डेल्टा एस को आप कहते हो एंट्रोपी ऑफ सिस्टम और एंट्रोपी का आपके पास मतलब होता है डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। ठीक है, और मैंने आपको ये बता भी दिया कि ये क्या है। अच्छा, जो आपके पास सिस्टम की एंट्रोपी होती है, द फॉर्मूला फॉर एंट्रोपी चेंज इन द सराउंडिंग्स, उसका जो फॉर्मूला है डेल्टा एस बराबर है डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा एच आपके पास क्या है या मैं इसको कहूँ डेल्टा क्यू, ये आपके पास होता है हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट का बनना। अब वो हीट या तो रिलीज आउट हो गई होगी या वो हीट एब्जॉर्ब किए सिस्टम ने, डिपेंड करता है बाय चेंजिंग टेम्परेचर। ठीक है, हीट ऑफ फॉर्मेशन या अमाउंट ऑफ हीट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर इज कॉल्ड एंट्रोपी। दिस इक्वेशन इज रिप्लेस्ड बाय प्रीवियस फॉर्मूला। आपके पास अगर अब इसने कहा कि इज देन मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी बाय माइनस वन द फॉर्मूला विल बिकम दिस। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को आप देख लीजिए, डेल्टा एस टोटल, डेल्टा एस किसको बता रहा है, एंट्रोपी को बता रहा है, बराबर है डेल्टा यूनिवर्स। यानी अगर देखो, अगर अल्लाह ताला ने जो भी, अगर अल्लाह ताला कोई भी तब्दीली करता है ना, चाहे बारिश हो या कुछ भी हो, तो उसका है हर जगह होता है। ठीक है, तो हमारे पास और वो डेल्टा एस जो यानी यूनिवर्स में, यूनिवर्स के सिस्टम में अगर कोई डिसऑर्डर पैदा हो जाए, उसके एंट्रोपी में चेंज आ जाए, तो वो बराबर होता है सराउंडिंग्स के डिसऑर्डर के प्लस, यानी सराउंडिंग के एंट्रोपी के प्लस सिस्टम के एंट्रोपी पे। यानी अगर यूनिवर्स में कोई तब्दीली हो रही है, मिसाल के तौर पर सन का टेम्परेचर हाई हो गया, तो उसका असर आपके सिस्टम पे भी होता है, यानी अर्थ पे मौजूद जो लाइफ है और सराउंडिंग से मीन्स उसकी इर्द गिर्द की चीज़ें, हमारा एनवायरनमेंट, हमारा एटमॉस्फेयर, फिजा, सब कुछ, एवरीथिंग। और अगर इसमें चेंज आ रहा है एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट में प्लस सिस्टम में चेंज आ रहा है,
तो इन दोनों के एंट्रोपी के चेंज को के सम को हम कहते हैं द एंट्रोपी का टोटल या फिर यूनिवर्स की एंट्रोपी का जो चेंज है, ठीक है। और फिर उन्होंने क्या किया, दोनों साइड पे इस पूरी इक्वेशन को आपके पास जो है, अब मैंने आपसे क्या कहा कि हमारे पास जो डेल्टा टी यूनिवर्स है वो बराबर है डेल्टा एच। डेल्टा एच आपके पास कहाँ से आया है, ये इन्होंने डायरेक्ट किया है, ठीक है, इन्होंने डायरेक्ट किया। अच्छा, डेल्टा एच आपके पास कहाँ से आया है, ये डेल्टा एच सराउंडिंग्स को आपने रिप्लेस करवा दिया किससे, आपके पास इक्वेशन है एस यूनिवर्स इज इक्वल्स टू डेल्टा एच, डेल्टा एस सराउंडिंग्स प्लस डेल्टा एस सिस्टम, ठीक है। अब आपसे क्या किया है, आपको चेंज कर दिया इस फॉर्मूले से, ये हो गया आपके पास h डिवाइडेड बाय t प्लस डेल्टा s सिस्टम प्लस डेल्टा s यूनिवर्स, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को माइनस t से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय माइनस t। जब आप इसको माइनस t से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर तो आया t, लेकिन यहां पर जो है वो टी नीचे भी मौजूद था, तो उस टी ने उसको टी को क्या किया, कैंसिल आउट कर दिया, सही। और यहाँ पर वो टी मल्टीप्लाई हो गया, तो आपके पास जो है ये ने एफ जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से बन गई, ठीक है। फिर आपने अगले स्टेप में क्या किया, अगले स्टेप में कहता है कि आपके पास जो टी डेल्टा एस यूनिवर्स का जो प्रोडक्ट है वो कहलाता है आपके पास डेल्टा जी, और डेल्टा जी असल में आपके पास होती है, इसको कहते हैं जिप्स फ्री एनर्जी, ठीक है। और इस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि अगर आपके कोई चेंज आया है, चाहे वो प्रोसेस रिवर्स हुआ हो या रिवर्स ना हुआ हो, तो वो उसके चेंजेस को बताता है कि अगर कोई सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया है स्पॉन्टेनियसली मीन्स होता है कि अगर सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाए तो हीट में चेंज आता है, लेकिन कंडीशंस होती हैं उसके लिए। तो अब हम देखते हैं कि ये कैसे होता है, मस्ट टू कंक्लूड द सिस्टम इज स्पॉन्टेनियस। अब हम देखेंगे इस इक्वेशन के थ्रू, ठीक है। अच्छा बस बहुत ही स्लाइड्स हैं जो मुझे आपको बतानी है, बस जल्दी से इसको पढ़ते हैं। ये आपके पास डेल्टा जी जिप्स फ्री एनर्जी है, डेल्टा टी आपके पास हीट ऑफ फॉर्मेशन है, टी आपके पास टेम्परेचर है, डेल्टा एस आपके पास एंट्रोपी है, ठीक है। इस इक्वेशन से हम ये पता लगाएंगे कि सिस्टम में कोई रिएक्शन अगर हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी क्या वजह है, यानी स्पॉन्टेनियसली मतलब होता है खुद ब खुद हो जाना अचानक से, और नॉन स्पॉन्टेनियसली के सिस्टम में वो ना हो रहा हो। नाउ इट्स सिमिलर टू कंक्लूड कि सिस्टम इज स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस और एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये डेल्टा एच आपके पास किसको बता रहा होता है, हीट चेंज फॉर अ रिएक्शन, यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन, कि सिस्टम में जो हीट की फॉर्मेशन हुई है, चाहे वो हीट जो है उसको रिलीज करके की है या हीट ऑफ जो बड़ी है, यानी जो सिस्टम की जो हीट है जो उसमें फॉर्मेशन हुई है वो आफ्टर रिलीजिंग हुई है या एब्जॉर्प्शन हुई है। डेल्टा एच मीन्स टेकन, हीट इज टेकन फ्रॉम द एनवायरमेंट, वो हीट जो कि सिस्टम जो कि हीट जो है एनवायरमेंट से, यानी अपनी सराउंडिंग से लेता है, ठीक है। यानी इसका मतलब है अगर वो आपके पास कोई सिस्टम अगर अपने सराउंडिंग्स के अपने एनवायरमेंट से हीट ले रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। और ये कब होता है आपके पास, जब डेल्टा एच पॉजिटिव हो, अगर सिस्टम ने सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब की है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो डेल्टा एच आपके पास पॉजिटिव होता है। आपने देखा था कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में आपके पास जो डेल्टा क्यू था वो पॉजिटिव था, और पॉजिटिव आपके पास डेल्टा क्यू असल में डेल्टा एच एक ही चीज है, दोनों का नाम है अमाउंट ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, हीट ऑफ फॉर्मेशन सिंपली, ठीक है। हीट जो है एच का सिंबल है, तो इसलिए उसके यहाँ पर उन्होंने एच यूज किया है। अगर डेल्टा एच नेगेटिव हो जाए, इसका मतलब है सिस्टम से हीट निकाल बाहर किया है, ठीक है, और
एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है. डेल्टा जी क्या है? डेल्टा जी इज अ मेजर ऑफ चेंज ऑफ अ सिस्टम, यानी जो सिस्टम में जो चेंजेस पैदा हुए हैं उसको मेजर करना. इज अ सिस्टम इज अ मेजर फॉर अ चेंज ऑफ अ सिस्टम जिब्स फ्री एनर्जी इन विच अ रिएक्शन टेक प्लेस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एट टेम्परेचर. यानी वही कह रहा है कि आपके पास डेल्टा जी क्या है, वो अमाउंट ऑफ हीट है. वो अमाउंट ऑफ हीट जब उसमें चेंज आता है, कब? जब किसी यहाँ पर रिएक्शन हो. रिएक्शन या तो एक्सोथर्मिक हो सकता है या एंडोथर्मिक हो सकता है, यानी आप तो या तो आपका सिस्टम हीट को रिलीज कर सकता है या इसको एब्जॉर्ब कर सकता है. कब? जब आपका प्रेशर कॉन्स्टेंट हो या टेम्परेचर, ठीक है. एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर टी, प्रेशर को उसने कॉन्स्टेंट किया है, टेम्परेचर के लिए कंडीशन नहीं बताई. अब ये बता रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखें, अगर एंट्रोपी मींस डेल्टा एस डिक्रीज हो रही है और एंथैल्पी डेल्टा एच इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब है वो सिस्टम की जिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी को बढ़ा देगी, ठीक है. अगर ये बढ़ रही है और ये डिक्रीज हो रही है, तो सिस्टम की जो डेल्टा जी जिब्स फ्री एनर्जी है वो क्या होगी? बढ़ जाएगी. इसका मतलब है आपके पास डेल्टा जी इज पॉजिटिव और सिस्टम ऑटोमेटिक रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा एंड सिस्टम में नॉन इंस्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा एंड इट डज नॉट मैटर वेयर द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम. यानी वो कह रहा है अगर सिस्टम की जो है एंट्रोपी यानी डिसऑर्डर डिक्रीज हो जाए लेकिन सिस्टम की हीट ऑफ फॉर्मेशन बढ़ जाए, तो जिब्स फ्री एनर्जी जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, सिस्टम रिएक्शन ऑटोमेटिकली परफॉर्म नहीं करेगा जबकि वॉट एवर सिस्टम के टेम्परेचर में चेंजेस आते रहें. टेम्परेचर भी वेयर द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज, यानी अगर टेम्परेचर का सिस्टम का टेम्परेचर कुछ भी हो, चाहे वो चेंज हो रहा हो या नहीं चेंज हो रहा हो, लेकिन अगर ऐसी चीज़ें होंगी कि एंट्रोपी डिक्रीज हो जाए एंथैल्पी बढ़ जाए, तो जिस फ्री एनर्जी जो है आपके पास पॉजिटिव होती है. अच्छा, जिस फ्री का जो चेंज है वो जो है सिस्टम के सिस्टम में जो भी रिएक्शन हो रहा होता है उस पर बहुत अहम किरदार अदा करता है, ठीक है. अच्छा, अब बात होती है कि अगर हम बात करें सिर्फ टेम्परेचर की, टेम्परेचर भी बहुत अहम रोल प्ले करता है उसमें सिस्टम के स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस होने में. टेम्परेचर कम्स इनटू प्ले जब सिस्टम जब टेम्परेचर अपना टेम्परेचर भी अहम किरदार अदा करता है जब आपके पास एंथैल्पी या एंट्रोपी दोनों में चेंज वाकई हो, या तो वो दोनों इंक्रीज हो रही हो या वो डिक्रीज हो रही हो. मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे पहले कहा कि अगर एक एंट्रोपी अगर डिक्रीज हो रही है, एंथैल्पी अगर इंक्रीज हो रही है, तो जिब्स फ्री एनर्जी जो है आपके पास पॉजिटिव होती है. तो इसका मतलब है कि जिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी उस रिएक्शन के फास्ट होने के खुद ब खुद होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है. लेकिन अगर सिस्टम में डिसऑर्डर कम हो जाए और हीट ऑफ फॉर्मेशन बढ़ जाए, तो डेल्टा जी यानी उसमें जो चेंजेस है डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाता है और सिस्टम में जो है चेंज होने के रिएक्शन फास्ट नहीं होता और रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस भी नहीं होता, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है. जिसके चाहे मैटर टेम्परेचर बढ़ रहा हो या डिक्रीज हो रहा हो, लेकिन अगर टेम्परेचर उस वक्त मैटर करता है जब आपके पास सिस्टम की एंथैल्पी और एंट्रोपी एंथैल्पी आपके पास क्या है? हीट ऑफ फॉर्मेशन. और एंट्रोपी क्या है आपके पास? डिसऑर्डर. अगर दोनों या तो चेंज हो रही हो या दोनों डिक्रीज हो रही हो, तो द रिएक्शन इज नॉट स्पॉन्टेनियस. तो रिएक्शन आपके पास इंटोस्पेंटेनियस नहीं होगा अगर आपके पास एंट्रोपी और एंथैल्पी दोनों पॉजिटिव हो. कब? जब टेम्परेचर आपके पास लो हो, ठीक है. इसने कहा कि रिएक्शन खुद ब खुद परफॉर्म नहीं होगा अगर सिस्टम का टेम्परेचर लो हो और सिस्टम की जो एंट्रोपी है एंथैल्पी दोनों पॉजिटिव हो. यानी मेरा कहने का मतलब है डेल्टा एच भी पॉजिटिव हो, टी भी आपके पास लो हो और डेल्टा एस भी पॉजिटिव हो, तो आपके पास डेल्टा जी क्या होगा? ये भी पॉजिटिव होगा और जिसकी वजह से आपके पास रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा. एंड द रिएक्शन अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो इसका मतलब है एंट्रोपी और एंथैल्पी आपके पास अगर पॉजिटिव है तो उसके लिए टेम्परेचर हाई होना चाहिए.
अगर टेम्परेचर लो है और एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों ही हाई हैं तो रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगा. लेकिन अगर हाई टेम्परेचर है, टेम्परेचर अगर बढ़ जाए तो जिसकी वजह से आपके पास ये फैक्टर क्या होगा, बढ़ जाएगा. तो आपके पास डेल्टा जी क्या हो जाएगा, डेल्टा जी आपके पास की जो भी वैल्यू हो वहां पर आपके पास जो सिस्टम है वो रिएक्शन परफॉर्म करेगा. द रिएक्शन आर स्पॉन्टेनियस इफ द एंट्रोपी एंड एंथैल्पी आर नेगेटिव एट लो प्रेशर. एंड द रिएक्शन इज नॉट स्पॉन्टेनियस वेयर द एंट्रोपी एंड एंथैल्पी आर नेगेटिव एट हाई टेम्परेचर्स. तो उसने दो बातें करी, उसने कहा कि अगर एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों ही पॉजिटिव है और टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा. और अगर एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों ही पॉजिटिव हैं लेकिन टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है तो रिएक्शन हो जाएगा. ठीक है, तो इसका मतलब है आपके पास अहम किरदार किसका है, टेम्परेचर का है. अब ठीक है, अब दोनों ही बढ़ रहे हैं. पहले हम बात कर रहे थे कि एंथैल्पी और एंट्रोपी इन दोनों में से कोई एक चीज बढ़ी थी, कोई एक चीज डिक्रीज हो रही थी. लेकिन अगर दोनों ही साइमल्टेनी एक ही वक्त में बढ़ रही हैं और एक ही वक्त में कम हो रही हैं तो वो डिपेंड करेंगी टेम्परेचर पे. ठीक है, अगर टेम्परेचर लो है और एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों ही बढ़ रही हैं, पॉजिटिव है, तो सिस्टम में रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा. और अगर टेम्परेचर हाई है और एंट्रोपी और एंथैल्पी दोनों ही बढ़ रही हैं तो रिएक्शन हो जाएगा. ठीक है, फिर अब बात करते हैं कि दोनों ही डिक्रीज हो रही हो, दोनों ही नेगेटिव हो जाए, टेम्परेचर लो हो तो आपके पास रिएक्शन तब हो जाएगा. ठीक है, फॉर नेगेटिव एंथैल्पी और एंट्रोपी अगर नेगेटिव है एट लो टेम्परेचर पे तो रिएक्शन हो जाता है. लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव हो एट लो टेम्परेचर पे तो रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, यहाँ पर ये नेगेटिव साइन है और ये फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये डेल्टा जी भी डिपेंड कर रहा होता है. डेल्टा जी जितना ज़्यादा नेगेटिव होता है उतना ही ज़्यादा रिएक्शन जो है उसके होने के चांसेस होते हैं. ठीक है, और अगर टेम्परेचर आपके पास जो है वो हाई हो जाए और दोनों ही एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों ही नेगेटिव हों तो आपके पास क्या होगा, सिस्टम रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा. बिकॉज ऑल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इंक्रीजेस एंट्रोपी, वन कैन डिटरमाइन इफ द एंट्रोपी चेंज अकॉर्डिंग टू द स्पॉन्टेनियस नेचर ऑफ द रिएक्शन. अब ये देख लीजिए, ये एक टेबल है जो मैंने आपको यहाँ पर ये सारी बातें पढ़ाई हैं वो यहाँ पर लिखी हुई है. अब वो कहता है टेम्परेचर हाई है, डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव. अगर डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एच पॉजिटिव है तो डेल्टा जी आपके पास नेगेटिव हो जाएगा. और अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब है रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा. ठीक है, यानी कहने का मतलब है अगर आप इस इक्वेशन को देखें, ये फैक्टर बड़ा है, इसमें से ये माइनस हो रहा है, तो ये जितना ज्यादा नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव हो तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी, रिएक्शन परफॉर्म हो जाएगा. और अगर टेम्परेचर लो, टेम्परेचर अगर लो हो जाए यानी जीरो हो जाए, डेल्टा जी आपके पास नेगेटिव है लेकिन डेल्टा ऐसा अगर आपके पास पॉजिटिव है तो जब भी आपके पास क्या होगी, डेल्टा जी नेगेटिव होगा और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा. देखें अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मैंने आपसे बात की हाई और लो टेम्परेचर के लिए और वहाँ पर हमारे पास जो है जो डेल्टा एच है और डेल्टा, इसका मतलब है जो एंट्रोपी और एंथैल्पी है वो पूरी तरह किस पर डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर के हाई और लो होने पर डिपेंड कर रही है. अगर आपके पास डेल्टा एच फॉर हाई और लो टेम्परेचर दोनों में नेगेटिव रहता है और डेल्टा एच पॉजिटिव रहता है, डेल्टा टी फॉर लोअर हाई टेम्परेचर नेगेटिव हो जाएगा और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा. रिएक्शन कब नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, जब डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों नेगेटिव हो जाएं तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाता है. मैंने अभी आपसे कहा था एट हाई टेम्परेचर इफ बोथ आर नेगेटिव रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगा, और अगर लो टेम्परेचर हो और वो दोनों ही नेगेटिव हो तो रिएक्शन परफॉर्म हो जाएगा. एंड एक दो तीन चार, और फिर अब आ रहा है, अब अगर दोनों पॉजिटिव हो जाए तो डेल्टा जी पॉजिटिव होता है फॉर लो टेम्परेचर,
रिएक्शन परफॉर्म नहीं होता. फिर एट हाई टेम्परेचर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव. अब डेल्टा एच पॉजिटिव कर दिया, डेल्टा एस को नेगेटिव कर दिया, तब भी जी क्या होगा आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा. क्योंकि क्या होगा, डेल्टा एस एंट्रोपी अगर डिक्रीज हो रही है, डेल्टा एच बढ़ रहा है, तो इस जिस फ्री एनर्जी के बढ़ने के चांसेस, पॉजिटिव होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और रिएक्शन तब परफॉर्म नहीं होता. और अगर लो टेम्परेचर पे आपके पास, ये देखो लो टेम्परेचर पे भी, हाई टेम्परेचर पे भी रिएक्शन नहीं हो रहा और लो टेम्परेचर पे भी रिएक्शन नहीं हो रहा जब आपके पास डेल्टा एच पॉजिटिव है. ठीक है, आप ये देख लीजिए कि डेल्टा एच आपके पास जहाँ जहाँ पॉजिटिव है, हाई टेम्परेचर पे अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, रिएक्शन हो जाता है. लेकिन अगर वो लो और हाई टेम्परेचर पे डेल्टा एस आपके पास वेरी कर रहा हो, तो रिएक्शन नॉन इंस्पॉन्टेनियस रहता है. क्योंकि ये वाला फैक्टर जो है ना, इसके लिहाज से इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता. इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी चेंज होगी और ये चेंज नहीं हो रही, तो उसका असर इस पर होगा. ठीक है, तो अभी मैंने ये आप लोग सबको बताया है. अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, तो जल्दी से इसको देखते हैं और फिर क्लास ख़त्म करते हैं. ठीक है, तो हमारे पास जो है ये रिएक्शन है, एक रिएक्शन है जिसमें आपके पास O2 और 2O2 है. ठीक है, ये आपके पास रिएक्टेंट कहलाता है, ये प्रोडक्ट कहलाता है. ठीक है, यहाँ कितने मोल है, 1 मोल, और यहाँ 2 मोल. इसका मतलब है यहाँ गैस का वॉल्यूम 1 है और यहाँ पर गैस का वॉल्यूम 2. फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर इसमें ये लिखते हैं कि बताइए कि ये रिएक्शन है, क्या टेम्परेचर की कंडीशंस होंगी कि रिएक्शन हो जाए. अब ये पढ़ते हैं, बस सिंपली व्यूइंग हम ये देख सकते हैं कि रिएक्शन जो है आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कहाँ पर बढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट साइड पर. तो इसका मतलब है एंट्रोपी आपके पास क्या है, बढ़ गई है सिस्टम की, प्रोडक्ट में. ठीक है, रिएक्टेंट आपके पास एंट्रोपी डिक्रीज, प्रोडक्ट साइड पर आपके जो है वो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए हैं, यानी सिस्टम की एंट्रोपी चेंज हो गई है, इंक्रीज हो गई है. नाउ ऑल, अब हमें ये पता चल गया कि डेल्टा एस के आपके पास पॉजिटिव है. नाउ ऑल हैज टू डू सो, अब हमें बात करनी है कि एंथैल्पी क्या होगी. अब एंथैल्पी पॉजिटिव हो नेगेटिव हो तो हमें टेम्परेचर के लिहाज से देखना पड़ेगा. अगर आपके पास एंथैल्पी पॉजिटिव है तो क्या होगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन, यानी हीट का इखराज और हीट का एब्जॉर्ब होना, वो असर करेगा आपके पास इन जो ऑक्सीजन है उसके बॉन्ड्स पे. अगर आपके पास एंथैल्पी पॉजिटिव हो जाए, सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करे, एनर्जी बढ़ जाए, तो आपके पास क्या होता है कि जब आपके पास मॉलिक्यूल्स हीट जितनी ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, उनके दरमियान जो फोर्स होती है वो कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाती है और उनके दरमियान जो बॉन्ड होता है वो भी वीक हो जाता है और टूट जाता है. तो यही मैंने कहा कि एंथैल्पी क्या है, आपके पास पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ है, सिस्टम ने आपके हीट एब्जॉर्ब की, तो जो बॉन्ड था वो टूट गया. और जब बॉन्ड ब्रोकन होता है तो वो हीट एब्जॉर्ब करता है, विच मीन्स आपके पास रिएक्शन जो है, जो रिएक्शन की जो एंथैल्पी है वो पॉजिटिव है. और अगर एंथैल्पी अगर पॉजिटिव है तो हम ये बात कह सकते हैं, इज टू यूज द हीट ऑफ फॉर्मेशन, सप्रेक्ट द हीट ऑफ रिएक्टेंट. अगर हम प्रोडक्ट साइड की आप जो है ये जो है इसको माइनस कर दें अपने रिएक्टेंट की हीट ऑफ फॉर्मेशन से, तो ये जो है ज़्यादा होगी ना, डेल्टा एच जो आएगा आपके पास वो इन दोनों के डिफरेंस से आएगा. क्योंकि आपके पास जो प्रोडक्ट साइड है, प्रोडक्ट की जो एंथैल्पी है वो बढ़ गई है, उसने सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की है. टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट एंथैल्पी, सो इफ द टेम्परेचर इज लो, अब उन्होंने ये तो बता दिया कि आपके पास हीट ऑफ फॉर्मेशन का डेटा कैसे बनेगा, कि अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दें एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट फ्रॉम द एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट, तो आप टोटल जो हीट फॉर फॉर्मेशन है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि सिस्टम ने आपके कितनी हीट एब्जॉर्ब की है. ठीक है, अगर टेम्परेचर लो है, टेम्परेचर लो है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, अगर डेल्टा एच इज मोर देन टी डेल्टा एस, आपके पास इक्वेशन क्या थी, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू टी डेल्टा एच
माइनस टी डेल्टा एस. अब वो कह रहा है कि ये वाला फैक्टर इससे जितना ज्यादा होगा रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगा. ठीक है, इसका मतलब है एंथैल्पी, एंथैल्पी जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी इसके लिहाज से, यानी एंथैल्पी अगर पॉजिटिव हो डेल्टा एस भी पॉजिटिव हो, ठीक है, तो आपके पास रिएक्शन लो टेम्परेचर पे परफॉर्म नहीं होगा. लेकिन अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो आपके पास जो ये वाला फैक्टर है ना टी डेल्टा एस का, ये वाला फैक्टर ये बढ़ जाएगा. और जितना ये बढ़ जाएगा इसका मतलब है डेल्टा एच उतना ही ज्यादा आपके पास क्या होगा, विल बी लार्जर देन द एंथैल्पी. अगर ये फैक्टर बढ़ जाता है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर तो आपके पास इसका मतलब है डेल्टा एच छोटा हो जाएगा और वहां पर आपके पास क्या होगा, रिएक्शन परफॉर्म हो जाएगा. अब आप खुद देखिए ना कि डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये अगर जीरो है तो ये माइनस होगा, ये आपको मिलेगा पूरी की पूरी जिस फ्री एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी, इसके आ जाएगी. और जिस फ्री एनर्जी भी नेगेटिव होगी, और अगर जिस फ्री एनर्जी नेगेटिव है तो रिएक्शन परफॉर्म हो जाता है एट लार्जर टेम्परेचर. ठीक है, फिर एक ये है, इसमें क्या है आपके पास यहाँ पर एंथैल्पी, यहाँ पर जो है एंथैल्पी इंक्रीज हुई है, सॉरी एंट्रोपी इंक्रीज हुई है, यहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज नहीं हुई है. फिर भी वो कह रहे हैं कि आपके पास रिएक्शन जो है अगर स्पॉन्टेनियस है तो क्या कंडीशन हो सकती है, जबकि सिस्टम की एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी यानी डेल्टा एच उन्होंने दे दिया माइनस 40 किलो जूल. अच्छा, मैं इसको सिर्फ इतना पढ़ रही हूँ कि अच्छा अब आपके पास देखो हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या आया, नेगेटिव आया. हीट ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव होने का मतलब क्या है, डेल्टा एच नेगेटिव होने का मतलब क्या है, रिएक्शन एक्सो होगा या एंडो होगा. मैंने एक सवाल किया है कि अगर डेल्टा एच आपके पास नेगेटिव है तो सिस्टम का जो रिएक्शन हो रहा है वो क्या होगा, आपके पास एक्सो होगा एंडो होगा. जवाब देंगे तो सिर्फ 5 मिनट्स लगेंगे क्लास को खत्म करने में, वरना मैं इसको ऐसी तरह कंटिन्यू रखूंगी. डेल्टा एच, मैंने पूछा कि डेल्टा एच अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन कैसा होना चाहिए, एक्सो होना चाहिए एंडो होना चाहिए. एक्सो, बिल्कुल, क्योंकि हीट जो है सिस्टम ने लॉस किया. ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट द एंथैल्पी. अब वो कह रहा है कि अगर आपको उसने एंथैल्पी, वी हैव टू कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन बट इज इन केस इट इज गिवन. आपको जो है अगर ऐसा है तो आपको एंथैल्पी कैलकुलेट करनी पड़ती है रिएक्शन की, लेकिन हमें सवाल में उसने उन्होंने एंथैल्पी दे दी है और एंथैल्पी हमें देखकर लग रहा है कि एंथैल्पी क्या है, नेगेटिव है, तो रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो हमें ये तो पता चल गई कि अब जो है एंथैल्पी जो है सिस्टम की ज्यादा होगी या ग्रेटर देन जीरो होगी. ठीक है, तो अब डिपेंड करता है, इन्होंने कहा कि अब हमें ये फाइंड करना है कि जो एंट्रोपी है सिस्टम की, जो डिसऑर्डर आया है सिस्टम में, वो ग्रेटर देन जीरो है कि नहीं. तो अब हम क्या करते हैं, यूजिंग द एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन डेटा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेटा, वन वी कैन डिटरमाइन द एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन. अगर हमें डेटा गिवन हो तो हम सिस्टम की एंट्रोपी और एंथैल्पी फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, अब मिसाल के तौर पर उन्होंने एक बात की है कि अगर आप कह रहे हैं कि सिस्टम की एंट्रोपी है वो माइनस 42.1 किलो जूल है और एंथैल्पी भी माइनस 41.2 किलो जूल है. अब दोनों क्या है, सेम है. एंट्रोपी जो है वो 42.1 है, माइनस 42.1, और एंथैल्पी जो है माइनस 41.2 है. भाई ये सेम कैसे है, देखें, डेल्टा एस बराबर होता है
हीट ऑफ फॉर्मेशन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर. तो अब यहाँ जो है वन आएगा तो ये बन जाएगा जूल पर केल्विन, और डेल्टा एच जो है वो क्या है, सॉरी किलो जूल पर केल्विन, और डेल्टा एच आप 41.2 किलो जूल. बिकॉज एंथैल्पी एंड एंट्रोपी, एंथैल्पी और दोनों ही नेगेटिव हैं, तो रिएक्शन जो है नेचुरली तौर पर स्पॉन्टेनियस होगा. Varies with that reaction, that spontaneous nature varies with the temperature of the reaction. So reaction in spontaneous hoga ya nahi hoga wo depend karta hai ki temperature change ho raha hai ki nahi. Temperature jo hai hame yahi batata hai ki reaction jo hai spontaneous hone ke kitne zyada chances hai. Agar aapke paas system ki jo enthalpy aur entropy dono hi positive ho to kya hoga, kya reaction ho jayega. सवाल ये, when the reaction occurs at low temperature, अगर आपके पास reaction low temperature पे हो जाता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके पास जो delta G है ना वो negative है. delta G जितना ज्यादा negative होगा reaction हो जाएगा. Which means the reaction is spontaneous. देखो मैंने ये क्या बात की, मैंने आपसे यही बात की ना कि आपके पास temperature low है, just free energy negative हो गई है तो reaction हो जाएगा. अब जरा stable पे चलो, हमने क्या किया, temperature low, delta G negative, reaction हो गया. अब अगर यहाँ देखो high temperature है, दोनों नेगेटिव है, डेल्टा जी पॉजिटिव है, रिएक्शन नहीं हो रहा. हाई टेम्परेचर पे दोनों नेगेटिव हो लेकिन डेल्टा जी पॉजिटिव हो तो रिएक्शन नहीं होता. तो इसका मतलब है कि आपके पास जो रिएक्शन का स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस होना डेल्टा जी और टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, और डेल्टा एस और डेल्टा एच डिपेंड करेंगे टेम्परेचर के लिहाज से. ठीक है, अब देखो लो टेम्परेचर पे तो हमने देखा कि रिएक्शन, जबकि हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन नहीं हुआ. ठीक है, और अगर टेम्परेचर आपके पास लो है और दोनों चीजें नेगेटिव हैं तो डेल्टा जी नेगेटिव होता है, रिएक्शन हो जाता है. लेकिन अगर लो टेम्परेचर पे एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों ही पॉजिटिव हो जाए और तब भी डेल्टा जी आपके पास नेगेटिव रहे तो तब भी रिएक्शन हो जाता है. ठीक है, तो जिस फ्री एनर्जी का नेगेटिव होना जरूरी है, भले टेम्परेचर आपके पास लो हो और हाई हो, रिएक्शन हो जाएगा. ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर यही बात करी है कि आपके पास अगर टेम्परेचर लो है, फ्री एनर्जी जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी रिएक्शन आपके पास परफॉर्म हो जाएगा. लेकिन अगर रिएक्शन आपके पास, इफ द टेम्परेचर अकर्स एट हाई टेम्परेचर, और अगर रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे हो जाता है तो इसका मतलब है रिएक्शन नॉन इंस्पॉन्टेनियस है, रिएक्शन नहीं होगा. इसका मतलब है डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव आपके पास पॉजिटिव होगा. और ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाली कंडीशन हमने कब रखी है, जब आपके पास उन्होंने बात की कि एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों ही नेगेटिव हो जाएं. ठीक है, एंथैल्पी और एंट्रोपी अगर अगर नेगेटिव हैं तो रिएक्शन डिपेंड करेगा टेम्परेचर के चेंज होने पर, और टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है तो वहां पर डेल्टा जी भी चेंज होता है. आपके पास क्या इक्वेशन थी, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एस. मैंने आपसे कहा डी डेल्टा एस. ठीक है, मैंने आपसे कहा कि ये दोनों ही अगर नेगेटिव है, टेम्परेचर लो है, डेल्टा जी नेगेटिव आएगा. टेम्परेचर जीरो है तो डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा. लेकिन अगर ये दोनों ही नेगेटिव हैं, टेम्परेचर हाई हो गया तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा और रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगा. सो इज मल्टीप्लाई बाय अ नेगेटिव एंड द एंट्रोपी इज नॉट चेंज एज द लार्ज द प्रोडक्ट. अच्छा, अब इन्होंने ये कहा कि आपके पास डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर जब बढ़ता है तो ये फैक्टर आपके पास इस चीज के लिहाज से तब भी क्या होगा, एज एंथैल्पी इज नॉट एज लार्ज एज द प्रोडक्ट, इतनी ज्यादा एंथैल्पी नहीं बढ़ेगी. इसको आपने खुद पढ़ना है, ये बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे हमारे पास इसमें हुआ है.
ठीक है, इसमें भी देखो आपके पास दो गैसेस है और प्रोडक्ट में भी हमें दो गैस, आपके पास एक एक दो दो गैस हैं, दो गैस हैं यहाँ पर, दो नंबर दो गैस के मोल्स हैं और प्रोडक्ट भी आपको दो, एक गैस इसका, एक मोल इसका, एक मोल इसका, और यहाँ पर भी एक एक मोल है. तो एक एक मोल ईच गैस का जब रिएक्टेंट करता है तो आपके पास यहाँ पर भी नंबर ऑफ मोल्स टू हैं, दोनों के अलग अलग प्लस कर दें आप तो, और यहाँ पर भी आपके पास टू हैं, तो आपके पास वॉल्यूम क्या है, इक्वल है. इसका मतलब है एंट्रोपी में आपके पास जो है ना चेंज नहीं आया, ठीक है, सिस्टम की. और अगर यहाँ देख लें, यहाँ भी आपके पास चेंज नहीं आ रहा, यहाँ पर भी अलग अलग दो हैं और आपके पास जो है प्रोडक्ट साइड पर टू ही है, तो यहाँ पर भी चेंज नहीं आया है. तो इसको आपने खुद देखना है, ये मैंने आपको करा दिया, तो ये अब आप खुद पढ़िएगा. तो आप लोग, हमारा सिलेबस बस यहीं तक का था, मैं अब क्लास ख़त्म कर रही हूँ और जल्दी से मैं ना आप लोगों की अटेंडेंस ले रही हूँ. मैंने एक्स्ट्रा आप लोगों के साथ 15 मिनट लेनी है, तो उसके लिए माफ़ कर. मैम पेपर के बारे में थोड़ा गाइड कर दीजिए. पेपर आपका ये बोलो मैम, सुन लें, पेपर आपका तीन सेक्शंस पे होगा, एक उसमें शॉर्ट होंगे, एक उसमें लॉन्ग होंगे और एक न्यूमेरिकल का सेक्शन होगा, ठीक है. चॉइस नहीं है पेपर में, बस हो गया. मैं ये बोल रहा हूं, मेरा सवाल है जितना सिलेबस है वो सब आएगा या मिड का भी आएगा? मिड का नहीं है, मिड का नहीं है. मिस कहां से स्टार्ट हो रहा है ये फाइनल का? कहां से स्टार्ट हो रहा है, सोचो कहां से स्टार्ट हो रहा है. I think मेरे ख्याल से सेमीकंडक्टर से या फिर पॉसिबल है मैग्नेटिक फील्ड, हाँ वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है जी मिस. अच्छा मिस कितने तीन सेक्शन होंगे ना? क्या कह रहे हो? तीन सवाल होंगे, पांच सवाल होंगे मिस? सवाल तीन हैं, लेकिन उसमें ए भी पार्ट हैं. जब आएगा ना तो खुलेगा ना तो पता चल जाएगा. आप सारी चीजें नहीं बता सकती, बस इतना बता दिया कि तीन सेक्शंस हैं, एक एक जो है शॉर्ट का, एक लॉन्ग का है, और यानी जो शॉर्ट है वो रीजनिंग होगी या डेफिनेशंस होंगी, और एक जो है वो न्यूमेरिकल. पेपर जो मेरा रात को है 2nd September, ठीक है, आज से 4 दिन बाद 5 दिन बाद, ठीक है. सो ओके, आप लोग की अटेंडेंस में जल्दी से ले लेती हूँ. आज जो आपने पढ़ाया ना मैम, यारी स्लाइड वीएलई पे अपलोड नहीं है, तो मैम ये प्लीज आज कर दूंगी. मैं कर दूंगी, बिल्कुल कर दूंगी, आप फिक्र नहीं करिए, मैं आज के आज ही कर दूंगी, अभी, बल्कि अभी कर देती हूँ मैं. थैंक यू. और वही पढ़िएगा, वही स्टडी करिएगा जो मैंने आपको पढ़ाया, एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. और मैंने जो आज आपको पढ़ाया है, जिसने भी आज नहीं आया उसने नुकसान किया, और मेरे ख्याल से मैंने ग्रुप में अबाउट पेपर शेयर कर दीजिए जो बच्चे नहीं है, ताकि उसको भी पता चले. मैं क्या शेयर कर दूं मैं, कि पेपर कैसा आएगा, कितनी क्वेश्चन होंगे, मतलब अबाउट पेपर सारा जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर कर दीजिए. मैं ऑडियो भी शेयर कर दूं ना, बच्चे सुनने की जहमत नहीं करते. तो मैंने आप लोगों को बता दिया, अब आप लोग का मैसेज कन्वे कर देगा. उमेश मौजूद है यहाँ पर या अरीशा मौजूद है, तो वो मेरा मैसेज कन्वे कर देंगे. अगर तब भी नहीं होता, किसी का टाइम नहीं होता, तो मैं बता दूंगी, ठीक है. अभी नहीं, अभी जो क्लास में मौजूद नहीं है ना, उनको रहने दीजिए, थोड़ा उनका नुकसान भी होना चाहिए. मैम नादा ने क्या कर सकते? अच्छा जी, आज डेट 28 September, आप लोगों के साथ मेरा लास्ट डे है. कोई अगर कोई बात बुरी लगी हो, कभी मैं बहुत सख्त हुई हूँ, कभी मैंने बहुत बुरे तरीके से डांटा हो, तो उसके लिए सॉरी, अगर किसी के दिल आज़ारी हुई हो. सो आप लोगों के साथ अब पता नहीं आगे ताल्लुक रहेगा या नहीं, कांटेक्ट रहेगा नहीं, तो फिर भी आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए, और पेपर के लिए भी बेस्ट ऑफ लक, और आने वाले सेमेस्टर के लिए आप लोगों को अल्लाह ताला हर जगह कामयाब करे. अगर और अल्लाह ताला आप लोगों के पेरेंट्स को भी महफूज रखे, और आप लोगों का तालीमी सिलसिला जो है फिजिकली हो जाए और जारी हो सारी रहे. और मेरे ख्याल से करोना के लिए तो हमें खासकर दुआ करनी चाहिए कि करोना जो है ख़त्म हो जाए. अब ये है या नहीं है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, बस हम ये दुआ कर देना सबको, अल्लाह ताला हम सबको इन तमाम चीज़ों से महफूज रखे. देखो टीचर का काम है डांटना भी, समझाना भी. कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा हार्ड भी हो जाती हूँ. एक मिनट,
मैंने टोनिया फिजिक्स सलाम वालेकुम पढ़ाती है तो क्लियर कर दे क्या सबको पास कर भाई पास होगा जो सही पेपर देगा ईमानदारी से एक्सक्यूज मी मैम हाँ बोलो मैम मैं क्लास तो ले रहा था डेढ़ घंटे से लेकिन बीच में लाइट चली गई अभी लाइट दोबारा आई है तो मेरे अटेंडेंस लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है अभी मैं शेयर कर रही हूँ बस क्लास खत्म हो गई और मैं ये जस्ट अम्मी बस 5 मिनट्स बस बस 5 मिनट्स जस्ट 5 मिनट्स हाँ ओके मैं जल्दी जल्दी नाम ले रही हूँ सबका फरदीन इंतखाब आयशा खान राजा मोहम्मद हसन गुलाम कादिर इमरान मोहम्मद यूसुफ हसन बिन खुर्शीद उमैस शहरयार गिल नबी बख्श आकिब अहमद हाफिज मोहम्मद बिलाल अकील अहमद अहमद जान शहजाद अहमद मियाँ सैयद नादिया अब्बास सैयद मोहम्मद काजिम तैमूर रियाज मोहम्मद इजाज नूर ताहा यूसुफ मोहम्मद शहरियार खान मोहम्मद फरमान डेरो अरीशा खान हिफ्जुर रहमान ताहिर जमील मोहम्मद अली इमाम सिद्दीकी अब्दुल्ला बिन अतीक शाहिद महमूद अब्दुल्ला खान मोहम्मद अहमद हसन अहमद हसन ये मोहम्मद अहमद हसन कौन है ये तो मेरे नाम का भी जी 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 बिल्कुल हमजा जावेद सज्जाद अली शेख इबाद रईस मोहम्मद हमजा और अम्मार खान अम्मार खान सिर्फ फर्नांडिस के लिए आए 1:30 बजे मैम मेरी सुबह से लाइट नहीं थी मेरी अभी अभी लाइट आई है जब ही मैं जैसे ही लाइट अच्छा। आई है वैसे ही मैं क्लास में ज्वाइन हो गया था ठीक है खैर है जाओ जाओ ठीक है आज की क्लास ये खत्म होती है बेस्ट ऑफ लक कहा सुना सब माफ ठीक है अल्लाह ताला आप लोगों को हर जगह कामयाब करे अब मीटिंग डे से लीव करना शुरू कर दीजिए जल्दी जल्दी